ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग लिखते नहीं क्या? तो याद तो कभी हो ही नहीं सकता। लिखोगे नहीं तो कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें। ओके, हम लोग विदुर नीति से पढ़ रहे हैं और नाउ इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग कमिंग। हम लोग श्लोक संख्या 46 पे हैं। ओके, या विदुर जी लिख रहे हैं, एक संपन्नम अश्नाति वस्ते वासश्च शोभनम, यो असम विभज्य भृत्यभ्य को निशंसत रस्ततः। कहने का मतलब है, विदुर जी एडवाइस कर रहे हैं, एक संपन्न मशनाति, दैट्स इंटरेस्टिंग, खैर मैं हिंदी में ही पढ़ता हूं, जो अपने भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता है और अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर और कौन होगा। दैट्स इंटरेस्टिंग। एक संपन्न मशनाति मतलब अकेले ही संपन्न होकर खाता है, संपन्न मतलब उसके पास खाना है, पीना है, पैसे, अकेले ही उस चीज को एंजॉय करता है जो व्यक्ति। वसते वासश्च शोभनम, अकेले रहता है, अकेले ही कपड़ा यूज करता है, और शोभनम अकेले ही उसको एंजॉय करता है। 46, एक संपन्नम अश्नाति, सिंपल है, सिंपल संस्कृत है, एक संपन्नम अश्नाति वसते वासश्च शोभनम, यो असम विभज्य भृत्यभ्य, और जो असम विभज्य, जो दूसरों को बांटता नहीं, ये सब भृत्यभ्य, स्पेशली भृत्यभ्य, अपने जो उसके डिपेंडेंट्स हैं, जो उसके साथ रह रहे हैं, जो उसके अंडर हैं, जो उनको बांट के नहीं लेता सारी चीजें, को निशंस तरस ततः, मतलब तो संस्कृत में निशम का मतलब होता है क्रूर, और निशंतर होता है सबसे ज्यादा क्रूर, उससे ज्यादा क्रूर व्यक्ति कोई नहीं है। कहने का मतलब है, विदुर जी कह रहे हैं कि कोई भी चीज मिले आपको तो पहले उसको बांट के खाओ, अकेले मत ले लो, जो अकेले लेगा इसका मतलब वो क्रूर है। एंड दैट्स आई मीन टू से, वो तो एक सेइंग भी है, क्या कहते हैं, मिल बांट के, ना मिल बांट के खाना चाहिए ना। नहीं तो अगर आपको कोई प्रसाद दे तो पहले उसको, पहला थॉट नहीं आना चाहिए खा लूंगा, तो फिर इसका मतलब आप क्रूर हो, क्रूर भक्त हो। सो पहला थॉट आना चाहिए अगर प्रसाद मिले कि मैं उसको बांटूं और फिर लूं, दैट्स अ गुड आइडिया। जैसे 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 रामानुजाचार्य, जब उनको मंत्र मिला ओम नमो नारायण नमः, तो उनका पहला विचार क्या था कि मैं इसको बांट दूं, वो महान व्यक्ति होता है। इनफैक्ट जितने भी पुजारियों का फॉल डाउन हुआ है वो पेस्ट्रियों की वजह से हुआ है और स्वीट्स के से है, वो लेके रख लेते हैं अपने लॉकर में, और हम लोग भी ऐसे ही हैं। सो कहीं ना कहीं हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। सो हमेशा, तो अगर आपको कोई, जैसे अगर जैसे सपोज महाराज ने कोई गिफ्ट दिया, तो ये नहीं रख लो उसको, पहला थॉट आना चाहिए मैं किसी को दूं, क्योंकि ये कृपा है अगर किसी सन्यासी की, तो दूसरों को मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं मैं रख लूं और अरे वाह मैं पूजा करूंगा। पूजा क्या करोगे, क्रूर हृदय से किसी चीज की पूजा नहीं होती, ना कोई स्वीकार करता है। सो दैट्स दैट इज व्हाट इज एडवाइस ऑफ विदुर जी। निशंस तर, वो सबसे ज्यादा क्रूर व्यक्ति है जो बांट के नहीं खाता। इसलिए तो वैष्णविज्म में कहा जाता है कि सबसे पहले सर्विस कर लो, नहीं वो वैष्णविज्म में अपने आप ही ये प्रिंसिपल्स फॉलो जाते हैं, अगर प्रिंसिपल्स फॉलो करो तो,
कि पहले खाओ मत बैठो, पहले सेवा कर दो, तो उससे धर्म और नीति अपने आप पालन हो जाती है। और वैसे भी अगर आप दूसरों को दोगे तो आपको 10 गुना वापस मिलेगा, देख लेना। आप देख लेना इस संसार का रूल है, आप दोगे, ऐसे मान लीजिए आपको प्रसाद मिला और आपने किसी को ताकि प्रभु जी आप ले लीजिए, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? उसका रिस्पॉन्स होगा नहीं नहीं प्रभु जी आप पहले लीजिए, यू सी द पॉइंट, वो घूम के आपके पास ही आएगा। और फिर जब नेक्स्ट टाइम उसको मिलेगा तो उसको उसको पहले याद आपकी आएगी कि अरे उनको देते हैं, यू सी द पॉइंट। जैसा आप संसार के साथ करोगे वैसे ही संसार आपके साथ करेगा। इसलिए संसार को एक बहुत बड़ा शीशा कहा जाता है जिसमें आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है, जैसे आप हो वैसे ही दिखाई देगा वो। एक्चुअली संसार आपको अपनी शक्ल दिखा रहा है, दैट्स ऑल। तो अगर आप लोगे तो संसार भी आपसे लेगा, अगर आप दोगे तो संसार भी आपको देगा, दैट्स ऑल, फिनिश। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, 46, तो वी कैन प्रैक्टिस दैट। आगे से कुछ भी मिले तो पहले विचार आना चाहिए, दे दो, बांटो पहले, फिर उसके बाद लो। ओके, 47th, दिस इज नाइस। एकम पापानी कुरोते फलम भुंगते महाजना। सो अकेले ही व्यक्ति पाप करता है, एकम पापानी कुरुते, सिंपल संस्कृत है, नहीं समझ आ रही, नहीं आ रही है। एकम पापानी कुरुते, अकेले ही पाप करता है, कुरुते, मगर फलम भुंगते महाजना, और अकेले ही उस पाप का फल भोगता है। फलम भुंगते महाजना, हे महाजन, विदुर जी कह रहे हैं कि अकेले ही उस फल को भोगता है, या मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत, नहीं नहीं ठीक है, फलम भुंगते नहीं, एक्चुअली उल्टा है, अकेले ही पाप करता है, फलम भुंगते महाजना, पाप अकेले करता है मगर उस पाप का फल बहुत सारे लोग भोग करते हैं। यू सी द पॉइंट देयर, पाप वो करेगा मगर मजे कोई और उड़ाएगा। मतलब यहां पे अच्छी हिंदी लिखी है, या मनुष्य अकेला पाप करता है बहुत से लोग उससे मौज उड़ाते हैं, दैट्स इंटरेस्टिंग। फलम भुंगते महाजना, महाजना यहां पे शब्द लिया है लाइक बहुत सारे लोग, महाजना, महाजना वो वाला महाजन नहीं, जना मतलब लोग, महा मतलब बड़े सारे लोग। तो ऐसे ही होता है, मतलब अकेले ही हस्बैंड पाप करता रहता है और वाइफ और बच्चे मजे उड़ाते रहते हैं। यही होता है, दैट्स हाउ इट गोज, आई मीन टू से, वो पैसे कमाता रहेगा उनके लिए चीटिंग करके, जो भी जुगाड़ करता रहेगा और मजे वो उड़ाएंगे। राजा अकेले पाप करेगा, ये इधर उधर फाइट करेगा और मजे कौन उड़ाएगा? प्रजा। सो आदमी अकेले पाप, जैसे वाल्मीकि जी भी तो यही थे, है नहीं? वाल्मीकि को नारद मुनि ने ही तो कहा कि तुम डाका डाल रहे हो, मतलब वाल्मीकि, ऑफकोर्स अगर हम मानो कि वाल्मीकि पहले डाकू थे, बट हम नहीं मानते ऐसा, हम नहीं मानते, खैर ऐसा एक्चुअली, हाँ ये बेटर एग्जाम्पल, क्योंकि वाल्मीकि का एग्जाम्पल सही नहीं है, वाल्मीकि जी पहले हमारे अकॉर्डिंग डाकू बाकू नहीं थे, सब गलत है। हाँ, जो भागवत में जो मृगारी था, हंटर था, नारद मुनि ने ही कहा कि तुम पाप कर रहे हो, तो उसने कहा मैं भरण पोषण कैसे करूंगा अपने बीवी बच्चों का? उन्होंने कहा भाई तुम पाप कर रहे हो मगर वो तुम्हारे पाप के भागी नहीं है, वो तुम्हारे पाप का फल के मजा उड़ा रहे हैं, पाप का फल तुम्हें मिलेगा मगर जो पाप करके जो चीजें आ रही हैं, पैसे वैसे आ रहे हैं, उसके मजे वो उड़ा रहे हैं। सो उन्होंने कहा ठीक है, यू डिसाइड, तुम ही इंप्लीकेट हो रहे, वो इंप्लीकेट नहीं हो रहे। सो एक अकेले पाप करता है और फल जो उससे मिलता है उसके मजे सब लोग उड़ाते हैं। भोक्तारो विप्रमुच्यते कर्ता दोषे न लिप्यते। सो जो भोग करने वाले हैं वो तो मुच्यंते, मुच्यंते मतलब वो तो पाप में लिप्त नहीं होते, मुक्त जाते हैं, वो तो लुप्त ही नहीं हुए, वो तो उसका सिर्फ फल भोग रहे हैं। कर्ता दोषे न लिप्यते, मगर कर्ता उस दोष में लिप्त हो जाता है। सो आपके पाप आपको ही भोगने पड़ेंगे और कोई नहीं भोगेगा, दैट्स ऑल, उसके पाप वो भोगेगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल, आई मीन टू से, अगर आप किसी दूसरे की हेल्प भी कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आप पाप में ना फंस जाओ उसकी हेल्प करने के चक्कर में, क्योंकि उस वो लॉस ऑफ कर्मा में नहीं फंसेगा, उसकी तो हेल्प हो जाएगी मगर आप फंस जाओगे। सो इस तरह विजडम ये है कि उसकी हेल्प भी हो जाए और हम पाप में भी ना फंसे, वो ज्यादा बेटर है। हेल्प तो करनी है ही मगर हम पाप में ना फंसे और वो भी हो जाए, मतलब आई मीन टू से,
हमारे इंस्टीट्यूशन में थोड़ा बहुत ऐसे ही चल रहा है। नहीं मतलब इसी पे तो फाइट चल रही है और क्या। मतलब इतनी सारी डेविएशंस हैं, क्यों हैं? क्योंकि हमें प्रीचिंग करके दूसरों की हेल्प करनी है, यही है ना, यही है ना अल्टीमेटली। बट द पॉइंट इज, वेल उनकी तो हेल्प हो जाएगी मगर आप फंस जाओगे। और हमने पहले ही पढ़ा था, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है जो दूसरों के बारे में सोचता रहता है मगर अपने बारे में भूल जाता है उस चक्कर में। उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है जो केवल अपने बारे में सोचता रहता है दूसरे बारे में नहीं सोचता। उससे बड़ा कोई स्वार्थी नहीं है। सो विजडम ये कहती है कि दूसरों के बारे में सोचो और अपने बारे में सोचो, दोनों का कल्याण होना चाहिए तो बेटर है। अपने ऊपर भी ऑक्सीजन मास्क लगा लो, उसको भी ऑक्सीजन मास्क लगा दो, दोनों बच जाएंगे, अदरवाइज इट्स गॉन। ओके, 48 श्लोक में लिख रहे हैं, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, नहीं 49 है बट 48 भी है। एकम हन्यान व हन्यान आदिशु मुक्तो धनुष मता। भाई तो वो विदुर जी ले कह रहे हैं धनुष मता, धनुष मतलब होता है जो तीर चलाने में एक्सपर्ट है। सो अगर कोई तीर चलाने में एक्सपर्ट है तो उसका जो तीर है वो शायद एकम हन्यान, एक को मारे, वा हन्यान आदिशु, या ना मारे। अगर कोई तीर चलाएगा तो हो सकता है उसके तीर से कोई मरे, मतलब एक तीर से एक ही मरेगा ना, हो सकता है कि मर जाए, हो सकता है ना मरे, मतलब डिपेंड करता है, चाहे उसका निशाना भी सही लग जाए, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बुद्धिर बुद्धि मतो सृष्टा हन्या राष्ट्रम सराजकम, मगर बुद्धिमान द्वारा, बुद्धि से आप राष्ट्र और उसके राजा सबको नष्ट कर सकते हो। कहने का मतलब है कि बाण से ज्यादा क्या कहते हैं, डेंजरस क्या है, बुद्धि। बुद्धि बुद्धि से जो काम कर सकते हो वो हाथ पांव से नहीं कर सकते, या कहने का मतलब है बुद्धि शक्ति से बड़ी होती है। नहीं वो प्रभुपाद वो एग्जाम्पल नहीं देते, वो स्टोरी नहीं है वो, क्या कहते हैं, तो कुछ लोगों ने आके राजा को बोला कि इस मंत्री को इतने पैसे क्यों दे रहे हो, ये तो कुछ करता ही नहीं, बस बैठा रहता है आपसे बातें करता रहता है, काम तो हम करते हैं, लेबर तो हमें। तो राजा ने कहा भाई, राजा ने सोचा इनको ये ऐसे तो समझेंगे नहीं क्योंकि है लेबर क्लास, कोई लॉजिक तो समझ नहीं आएगा इनको। तो उस राजा ने कहा ठीक है मुझे, तो राजा ने एक मुकुट दिया, राजा ने कहा मुझे बताओ कि इसमें क्या है, ये असली सोने का बना है या नहीं, है नहीं, यही था ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं था, सॉरी मुकुट नहीं था, हाँ हाथी, हाथी दिया था, हाँ क्या हाथी का वेट बताओ। तो किसी को पता नहीं लगा हाथी का वेट कैसे करेंगे, तो लेबर क्लास तो उसमें सोच रही थी कैसे उठाएं, उसी को तो हाथ पांव चलाने में है ना, कैसे क्रेन बनाएंगे फिर उसको उठाएंगे फिर तराजू बनाएंगे, उनको आइडिया ही नहीं आ रहा था, उनका उनका सोच ही उस डायरेक्शन में चल रही थी। मैं कहा मंत्री की सोच बुद्धि के डायरेक्शन में चलती है हमेशा, तो वो उस हाथ पांव चलाने में नहीं सोच रहा था, तो सोच रहा था वो आइडिया सोच रहा था। तो उसने आइडिया सोचा ठीक है, हाथी को बोट में ले गया, तो पहले तो बोट का वेट कर लिया, फिर हाथी को बिठाया तो बोट अंदर हो गई, तो उससे उसने पानी का लेवल देख लिया उतना, फिर हाथी को हटा दिया, फिर उसने पैसे वैसे भरता रहा भरता रहा भरता रहा, तो जब उतना लेवल आ गया तो इसका मतलब फिर उतनी उस कॉइन्स को उसने वेट कर लिया, बस काम खत्म हो गया, उतना वेट आ गया उसको, तो वेट करना बहुत आसान है तराजू पे, अलग अलग करके वेट कर लो। सो इसलिए इसलिए राजा ने कहा देखो मंत्री को इसलिए मैं पैसे ज्यादा देता हूं। सो हमेशा पॉइंट ये है कि हमेशा ऐसे, हम कल डिस्कस करते हैं, हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें हमें फोकस नहीं करना चाहिए चीजों पे और हाथ पांव चलाने पे, जरूरी है मगर फोकस करना चाहिए आइडिया पे, कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, अदरवाइज वो प्रोजेक्ट फेल है। तभी हम डिस्कस कर रहे थे नहीं दैट कॉन्सेप्ट, कि हमारे प्रोजेक्ट में प्योरिटी क्वालिटीज और नॉलेज, ये हमारा एम है, ये होना चाहिए। ठीक है पैसे का अरेंजमेंट हो सकता है, चीजों का अरेंजमेंट हो सकता है, मगर वो चीजें हाथ पांव चलाने से आती हैं, मगर जो चीजें हाथ पांव चलाने से आती हैं उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। कॉन्सेप्ट रहेगा हमेशा, ये तो चीजें वैसे भी खत्म हो जाएंगी। एक मतलब एक एक ऑथर है, उसने इतनी बड़ी बुक भी लिखी है, इतनी मोटी, मतलब उसका टाइटल है आइडियाज मैटर, पूरी बुक ही है, मैं पढ़ूंगा, आइडियाज मैटर, आइडियाज ही सब कुछ हैं। सॉक्रेट्स ने भी कहा था कि आइडियाज ही सब कुछ हैं, कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है।
तो ठीक है, हम लोग हम काम धीरे कर लो, मगर कॉन्सेप्ट खराब नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट खराब नहीं होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए यहां पे क्या लिख रहे हैं कि भाई बुद्धि से तो सारा राष्ट्र और सारा राज्य खत्म हो सकता है, बांध से तो एक ही व्यक्ति खत्म होगा। सो वेल, बुद्धि बढ़िया, भैंस बड़ी, दैट्स ऑल। इसलिए हमेशा बुद्धि लगा के काम करना चाहिए, मतलब इमीडिएटली रिफ्लेक्स से काम नहीं करना चाहिए। बस आपके माइंड में आया तो उसको ठोक दिया, उसको पीट दिया, उसको डांट दिया, कुछ नहीं होगा उससे। जस्ट थिंक व्हाट टू डू एंड देन टेक एन एक्शन। हो सकता है टाइम लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आराम से काम करना चाहिए। उसके लिए थोड़ा आपको रजोगुण से बाहर होना पड़ेगा। ये रजोगुण में होगे तो ये कर नहीं पाओगे, आप बुद्धि लगा नहीं पाओगे। कोई कुछ करेगा, इमीजिएटली चिल्लाना चिल्लूना घतों की तरह और ये सब करते रहना, और फिर बाद में सोचोगे अरे मैंने क्या कर दिया। सो सतोगुण में होना पड़ता है। ऑफकोर्स भक्ति से सब करना आसान हो जाता है, क्योंकि भक्ति से ऑटोमेटिकली व्यक्ति सतोगुण में आ जाता है। सो वो रिफ्लेक्सेस से नहीं चलता। ओके 49, तब ये थोड़ा ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हिंदी पढ़ देता हूँ। खैर, एक से दो का निश्चय करके चार से तीन को वश में कीजिए, पांच को जीतकर छह गुणों को जानकर सात को छोड़कर सुखी हो जाइए। एक दो तीन चार पांच छह सात काउंटिंग है। एक्चुअली बच्चों को सिखा सकते हैं काउंटिंग में, काउंटिंग ऐसे सिखा सकते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। एक मतलब कहने का मतलब है, ओके, एक बुद्धि से दो को निश्चय कीजिए। दो क्या है? कर्तव्य और अकर्तव्य। तो एक बुद्धि से ये निश्चय कीजिए कर्तव्य क्या और अकर्तव्य क्या है। बुद्धि कैसी? शास्त्र बुद्धि। ऑफकोर्स अपनी बुद्धि नहीं, वो हम समझते हैं। शास्त्र बुद्धि से डिसाइड कीजिए कर्तव्य क्या है या अकर्तव्य क्या है। गीता में कौन सा श्लोक है? कार्य का तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ। शास्त्रों के प्रमाण से डिसाइड करो क्या करना है और क्या नहीं करना। मतलब शास्त्र जब भी बुद्धि से कहते हैं तो शास्त्र बुद्धि, अपनी भैंस बुद्धि नहीं, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अपने अपने स्पेकुलेशन कर करके सोच लोगे। और का निश्चय करके कर्तव्य क्या, कर्तव्य क्या निश्चय करके फिर क्या करो, करके चार, चार मतलब तीन है, नहीं अभी ऐसे करके चार से तीन को वश में कीजिए। मतलब आप पहले बुद्धि से डिसाइड कर लिया कर्तव्य कर्तव्य, फिर आपने कर्तव्य कर्तव्य करके भी मुझे ये करना है, ठीक है सर, अब डिसाइड कर लिया करना है, तो अब कैसे करना है? तो उसके लिए चार ऑप्शन है, साम दाम दंड और भेद, चार ऑप्शन है। आप ऐसे कर सकते हो, साम दान दाम होता है ना, साम दाम दंड और भेद। आप इस तरह अपना काम कर सकते हो, कोई भी काम कंप्लीट कर सकते हो। साम मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब फ्लैटरी मतलब प्रेस करके किसी को, हाँ किसी को चापलूसी, आप प्रेस, हाँ प्रेस करके आप काम कर, चापलूसी भी कह सकते हो आप, मगर प्रेस भी कह सकते हो, मतलब रियली प्रेस करके काम करा सकते हो आप। होता है ऐसे, यानी डिवोटीज और किसी से प्रेज ही करते हैं तो वो काम करते हैं, वो तरीका ये होता है। किसी को कमांड करके आप काम नहीं करा पाओगे कभी भी। दो तरीके हैं, एक आप कमांड करके काम करा सकते हो, एक प्रेस करके काम करा सकते हो। कौन सा बेटर है? क्यों? वो अपने मन से करेगा, दैट्स द होल आइडिया। आप प्रेस कर दो वो करेगा आपके लिए। अगर उसको ये भी पता होगा ना आप प्रेस कर रहे हो, आप उसको पता भी होगा आप प्रेस कर रहे हो काम कराने के लिए, फिर भी करेगा। क्योंकि वो रिफ्लेक्स है, वो रोक नहीं पाएगा उसको, वो अप्लाइज हो जाएगा, वो रोक नहीं पाएगा अपने आप को। हम रिफ्लेक्स से चलते हैं ना, वो इतना खुश हो जाएगा, वो कहेगा यार कर ही देता हूँ, चल इसने मुझे खुश तो कर दिया। मतलब आपने उसको कुछ दिया, वो आपको कुछ देगा, है नहीं? आइडिया यही है, आपने उसको खुशी दे दी, वो आपको वापस दे देगा। तो कोई भी, किसी से भी कोई भी काम कराना होता है, टेक्निक ये होती है कि आप उसको बोलो मत ये कर दे, आप पहले उसको प्रेस कर दो कि तूने बहुत अच्छा किया था पिछली बार यार, बहुत ही सही था, और फिर आप कर दे तो वो कर देगा। आप सीधा बोलोगे कर दे, नहीं कोई नहीं करेगा, मुझे ज्यादा ही बोल रहा है।
सो दैट्स साम साम दैट्स अ वेरी गुड टेक्निक. ऑलवेज एक्चुअली हमेशा कुछ भी कराने के लिए ये रूल है, अगर कुछ करना चाहते हो तो कुछ मत करो, ये रूल है. अगर किसी के साथ कुछ करना चाहते हो तो उसके साथ कुछ मत करो, ऐसा कुछ करो कि वो अपने आप खुद करे. दैट्स अ वेरी वाइज विस्डम. पूरी चाइनीज फिलॉसफी इसी पे बेस्ड है. वी वॉन्ट टू डू समथिंग, डू नथिंग. क्योंकि जनरल आदमी जो है, ऑर्डनरी आदमी यह करता है, अगर अगर उसको किताब के साथ, अगर उसको इसके साथ मान लीजिए सपोज, हाँ जैसे यही यही है, अगर किसी से काम कराना है तो उस टेक्निक सोचेगा, इसको मैं कैसे बताऊं, कैसे दूसरों को बताऊं कि फोर्स हो जाए काम करने को. यू सी, वो उसी के बारे में सोचे जा रहा है, कैसे करूं, कैसे सिस्टम बनाऊं, क्या करूं, मैनेजमेंट दे दूं, ये कर दूं. वो चीज़ें हैं, काम करती हैं, वो उनका रोल है, ऐसी बात नहीं उसका रोल नहीं, क्योंकि राज्य में रोल होता है सिस्टम का और वो होना भी चाहिए. बट उससे पावरफुल चीज है कि आप उस पर काम मत करो, आप ऐसा कुछ सोचो कि वो आपके लिए काम करे अपने आप से. तो क्या करो, तो कुछ मत करो, आप उस पर काम मत करो, अपने पे काम करना शुरू कर दो. दैट्स अ होल आइडिया. तो काम हो जाएगा, तो अपने पे काम क्या करो, अब आप अपने अंदर सोचो कि ठीक है, ओके, लेट मी प्रेज हिम. यू सी, मतलब मैं बार बार उसको ऑर्डर करता जा रहा हूं, मगर अगर मैं प्रेस करूंगा तो क्या होगा. यू सी, आप अपने आप अपने एंगल से सोच रहे हो ना, तो आप करोगे तो फिर वो अपने आप करेगा. तो फिर उससे क्या हुआ, आपने भगवान ने बजे उनके पूर्वजों की पूरी प्रशंसा कर दी. अच्छा ऐसे था, अच्छा भूल गया, होगा फिर भागवतम में. हाँ, इट्स अ वेरी गुड टेक्निक, बट प्रॉब्लम यह कि हम द्वेष से कर नहीं पाते. प्रॉब्लम है द्वेष है ना, हम सोचते हैं इसका इसको क्यों प्रेस करें, ये पता नहीं कहाँ चिंटू मिंटू है, इसको इसे प्रेस करने लायक ही नहीं है, हमारा हम नहीं कर पाते. तो दैट्स सो, अब भक्ति करने से हम ये कर पाएंगे आसानी से, दैट्स अ होल पॉइंट. इसलिए भक्त के लिए फॉलो करना आसान होता है. ओके, साम दाम, दाम क्या होता है, हाँ, या मतलब कोई आप कुछ रिवॉर्ड दे सकते हो, रिवॉर्ड दोगे तो काम करेगा व्यक्ति, है ना. गिफ्ट से हो जाता है, आप गिफ्ट दे दो तो आपके लिए लोग काम करते हैं. भेद मतलब दंड नहीं, भेद मतलब भेद होता है कि उसके दुश्मनों के साथ दोस्ती करके उसे अलग कर. हाँ, मतलब पहले दो तो ठीक हैं, दूसरे दो थोड़े फनी हैं. मतलब भेद मतलब मतलब डिवाइड एंड रूल. ब्रिटिशर्स डिवाइड, भेद मतलब डिवाइड. डिवाइड कर दिया आपने उसको अपने दोस्तों से और अपना काम करा लिया, या उसके दुश्मनों से मिलके आपने काम करा लिया. भेद बेसिकली पॉलिटिक्स होता है. पॉलिटिक्स करके भी आप काम करा सकते हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो लास्ट होना चाहिए. और दंड, दंड मतलब पनिशमेंट. तो जब किसी से काम ना चले तो फिर डरा के गोली मार देंगे, वरना काम कर ले. बस या अल्टीमेटली फिर फाइनली ये होता है दंड. नहीं, दंड इसलिए तीसरे नंबर आता है क्योंकि वो दंड तो फिर आप मार रहे हो ना उसको, फिजिकल है ना, फिजिकल इसलिए लास्ट आ रहा है, लास्ट आ रहा है. वैसे तो साम दाम दंड भेद होता है, वो एक्चुअली दंड तीसरे नंबर इसलिए आता है, मतलब किसी लास्ट लिखते हैं, मतलब तीसरा इसलिए आता है क्योंकि भेद जो है, भेद तो आप पॉलिटिक्स कर रहे हो ना, डिप्लोमेटिक, मतलब आप घुमा रहे हो चीज़ों को, वो अच्छी चीज़ नहीं है, आपके लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है. दंड में तो चलो आप दंड दे रहे हो, बच्चे ने काम नहीं किया तुझे पिटेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. भेद में तो सबकी मेंटेलिटी गंदी हो रही है, इसलिए भेद लास्ट आता है, दंड लास्ट नहीं आता. साम दाम दंड भेद, पॉलिटिक्स तो सबसे लास्ट चीज है जो आप करोगे, मतलब सारा एटमॉस्फेयर ही गंदा हो जाएगा. दैट्स अ लास्ट रिसॉर्ट, अदरवाइज वी डोंट डू. साम दाम दंड से ही काम चल जाता है. ओके, सो इन चार से कर्तव्य क्या करना है, मतलब बुद्धि से डिसाइड करो दो चीज, कर्तव्य कर्तव्य क्या है. जब डिसाइड कर लो कर्तव्य क्या है, तो ये चार चीजों से कर्तव्य आपका पूरा हो जाएगा. और जब ये चार चीजों से कर्तव्य पूरा हो जाएगा, सो उसे तीन चीजों को वश में क्या करो, कौन सी तीन चीजें, शत्रु मित्र और उदासीन व्यक्ति.
सो आपका अगर काम पूरा हो गया तो बुद्धि से काम करके आप इन शत्रु को या मित्र को या उदासीन, उदासीन कौन होते, न्यूट्रल, सबको अपने वश में कर सकते हो इन चार चीजों से अगर आपको टेक्निक आती है। सो दैट्स द होल पॉइंट। और पांच को जीत कर, पांच कौन से जीत कर, पांच इंद्रियों को जीत कर, पांच कुछ भी करने के लिए आपकी इंद्रियां वश में होनी चाहिए, वरना आप कर नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, आपको माइंड ही कंट्रोल नहीं है तो सोच ही नहीं पाओगे क्या करना है। इसलिए पांच इंद्रियों को जीतकर, छह गुणों को जानकर, पांच इंद्रियों को जीतकर छह गुण आ जाएंगे आप में। कौन से गुण आएंगे? एक है, ऑफ कोर्स हम भक्ति के एंगल से बात नहीं कर रहे, हम नीति के एंगल से काम कर रहे हैं। छह गुण आ जाएंगे आपको मैनेजमेंट के। और छह गुण क्या है? संधि, संधि मतलब फ्रेंडशिप, मित्रता कैसे करनी होती है वो आपको आ जाएगा। विग्रह, विग्रह मतलब डिवाइड कैसे करना है, एक को दूसरे से अलग कैसे करना है, वो भी जरूरी होता है मैनेजमेंट में। मतलब भाई तू इससे बात मत करियो, तू इससे बात मत करियो भैया, वरना तो लड़ाई होगी, तू अपना काम करते रहे, तू अपना काम करते रहे, मतलब एक अच्छी सेंस में। और यान, यान क्या होता है मुझे नहीं पता, यान क्या होता है भगवान जाने, आई हैव नो आइडिया। आसन, संस्कृत में भी यान है, संस्कृत में दिया नहीं ना, ये कमेंट्री से लिखा है इन्होंने, यहां नहीं है तभी मुझे समझ नहीं आ रहा। आसन, आसन की टेक्निक, आसन मतलब, आसन मतलब बेसिकली आप एक जगह बैठ के मैनेजमेंट कर रहे हो, यू नो हाउ टू सिट एंड मैनेज पीपल। भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, ये आप में गुण आ जाएगा। अच्छा मैनेजर तो भागता दौड़ता ही नहीं, वो तो एक जगह बैठ के सोचता है, उसका काम थिंक टैंक का है नहीं, वो थिंक टैंक होता है, इज अ हेड हु इज थिंकिंग, लेग्स एंड हैंड्स आर वर्किंग। और द्वैधी भाव, द्वैधी भाव मुझे नहीं पता भगवान जाने क्या है। और समाश्रय रूप, और दूसरों को आश्रय देना आ जाएगा, अच्छे मैनेजर को, अच्छे लीडर को, ये सारे गुण आ जाएंगे उसमें। आश्रय, उस गुणों को जानकर, सात को छोड़कर, जब ये गुण आ जाएंगे तो सात चीजें छूट जाएंगी, सात दोष छूट जाएंगे। सात दोष कौन कौन से? स्त्री संग छूट जाएगा, जब माइंड इंद्रिय कंट्रोल आ जाएंगी, जब अच्छे गुण आ जाएंगे तो सात दोष छूट जाएंगे। कौन कौन से? स्त्री संग छूट जाएगा, जुआ, मृग्या, मृग्या क्या होता है, मृग्या क्या होता है, शायद, हाँ शायद एक्चुअली धन ही है, धन, धन का लोभ, मद्य मतलब शराब, कठोर वचन छूट जाएंगे। आई मीन टू से कठोर वचन जो होते हैं ना, मतलब यू हैव टू बी केयरफुल, जब भी हम किसी से बोलें तो ये ना देखें वो क्या बोल रहे हैं, हम बोलें कि उस, देखें कि उसकी इंटेंशन क्या है, वरना आप गलत डिसीजन लोगे। आप इंटेंशन पे नहीं चलोगे तो मूर्ख व्यक्ति सिर्फ ये देखता है क्या बोल रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति देखता है उसकी इंटेंशन क्या है। और जनरली हम ऐसे ही चलते हैं, अरे उसने ऐसा बोल दिया, भाई ये तो देख लो कि उसकी इंटेंशन सही है गलत है, उसने ऐसा बोल दिया क्या हो सकता है, उसकी हैबिट है ऐसे बोलने की, क्या हो गया। नहीं, जैसे बच्चा है, अगर बच्चा आपको बोले, अगर बच्चा पापा को बोले पापा आपको मारूंगा, तो आपको बुरा लगेगा, किसी को लगेगा बुरा, क्यों? हाँ तो बस, तो ऐसे बड़े लोगों में सेम रूल अप्लाई होता है, दैट्स ऑल। इंटेंशन देखनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोगों के बोलने का स्टाइल अलग 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 है, तो मूर्ख हो आप, दैट्स ऑल। यही तो बात है। वही तो एक्सपर्टनेस है, हमें इंटेंशन ही समझनी होगी। अगर नहीं समझ आ रही बाई चांस, बाई चांस नहीं समझ आ रही, तो दोबारा से बात करो, दोबारा से बात कर लो, कंक्लूजन पे क्यों आ रहे हो, फिर आ जाएगी। ये कंक्लूजन मत निकालो कभी भी हाँ, कभी भी जो दिखता है वो होता नहीं, ये कहावत है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं, ऐसे ही होता है। जो वाइज आदमी समझता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। हाँ भाई वो ऐसा है, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे कर दिया, खराब है, भाई खराब नहीं है वो, उसकी हैबिट है ऐसे करने की, ठीक है। सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, नहीं
उसकी इंटेंशन देखनी चाहिए क्या है। बट जो जो चमार होते हैं ना वो नहीं देखते इंटेंशन, उनको चमार कहते हैं, वो बस बाहर की चीजें देखते हैं, तो वो ऐसे चलता है, अकड़ के चलता है, इसलिए गंदा है। भैया अकड़ के चल रहा है, उसकी इंटेंशन देख लो, हो सकता है उसका शरीर ही ऐसा हो, क्या करोगे। मतलब और तो क्या ज्यादा होता है, वो ऐसी है ऊपर से नीचे, वो ऐसे देख रही है, वो ऐसे कर रही है, वो ये कर रही है, भाई तुमने ना पूछा है ना कुछ कर रहा है, ऐवे खिचड़ी पका पका के पका पका, होता है नहीं होता है फीमेल्स के साथ ज्यादा होता है, होता है होता है बस। पर समुद्र शास्त्र में तो दिए हो ना लक्षण भी बॉडी के, कि वो व्यक्ति कैसा है उसके लक्षणों से उसको जाना जा उस, हाँ किसी के लक्षणों जान सकता है, वो बैठा कैसे है, चलता कैसे, उसे जाना जा सकता है, उससे एक आइडिया मिलता है, मगर फिर उसको कंफर्म करना पड़ता है इंटेंशन से बात करके, तो रिवील ना करे इंटेंशन, नहीं तो बात करके पता लग जाएगा, यही तो एक्सपर्टनेस है, फिर बात करनी होगी उससे तब पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लग सकता। वो हो सकता है अगर वो ट्रेंड हो रिवील ना करने में, हो सकता है वो छुपाने में एक्सपर्ट हो, तभी तो हम नाट्य शास्त्र पढ़ना चाह रहे थे। नाट्य शास्त्र वो छुपा लेंगे। उसमें सुग्रीव को, हाँ तो उन्होंने उनके जेस्चर्स भी देखे थे, और फिर बात भी की थी, इंटरोगेट भी किया, इंटेंशंस भी जानी थी, हाँ उसके बाद हाँ इंटेंशंस पे तब भरोसा किया था क्योंकि उनके लक्षण मैच कर रहे थे। हाँ ये बात सही है, तो दोनों चीजें होनी चाहिए, अगर लक्षण और इंटेंशन मैच कर जाए तो फिर तो पता ही लग गया आपको, अगर लक्षण अलग है इंटेंशन अगर सही है, लक्षण आपको समझ नहीं आ रहे तो इंटेंशन पे चल लो, लक्षण पे मत चलो, जैसे जैसे बच्चे के केस में बस, और क्या, दैट्स ऑल, बच्चा बोलता कुछ करता कुछ, मगर ऐसे इंटेंशन हमें पता है सही है उसकी, हमें पता ही इंटेंशन सही है तो हम किसी बात को बुरा ही नहीं मानते। इंटेंशन पे डाउट हो लक्षण पे विश्वास नहीं रख सकते, नहीं नहीं लक्षण पे विश्वास तो कभी नहीं कर सकते आप, लक्षण तो सेकेंडरी है, इंटेंशन प्राइमरी है, लक्षण तो सपोर्ट करते हैं इंटेंशन को, आप अलग से नहीं ले सकते लक्षण को। सो लाइक दैट वी हैव टू ऑलवेज, मगर जो नए लोग होते हैं वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, अबे उसने ऐसा बोल दिया, ले भाई बोल दिया तो क्या हो गया, इंटेंशन तो देख लो, बोल दिया क्या। सो दैट्स हाउ इनएक्सपीरियंस लोग काम करते हैं। सो कठोर वचन, दंड की कठोरता, दंड की कठोरता, ये जो दोष चले जाएंगे, मतलब दंड देता है व्यक्ति, बट कभी कभी हम दंड कठोर, मतलब अननेसेसरी पनिशमेंट, अननेसेसरी रूल्स बना देते हैं, नहीं वो दोष चला जाएगा, उतने रूल्स बनाओ जितना सब कुछ सब लोग खुश रहे, रूल्स खुश करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। और अनायास, ओह, अन्याय से धन का उपार्जन, ये सात दोष खत्म हो जाते हैं, को छोड़कर सुखी हो जाइए, मतलब दैट्स ऑल। एक से दो का निश्चय करके चार से तीन को वश में कीजिए, पांच को जीतकर छह को जानकर सात को छोड़कर सुखी हो जाइए। दैट्स इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, गुरुकुल में बुक में लिख सकते हैं हम, एक दो तीन चार पांच छह सात। ओके पचासवा श्लोक, एकम विष रसो हंती शस्त्रे न एक न बध्यते, वो कह रहे हैं कि भी विष का रस एक ही पीने वाले को मारता है नहीं, एक पिएगा वो मर जाएगा, और शस्त्रे एक ही न बध्यते, और शस्त्र से एक का ही वध होता है, एक शस्त्र से एक का वध होगा, एक बुलेट से एक आदमी मरेगा है नहीं। सराष्ट्रम संप्रजम हंती राजानम मंत्र विप्लव, किंतु गलत मंत्रणा से राजा प्रजा और राष्ट्र तीनों का विनाश हो जाता है, गलत एडवाइस से समूल नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मंत्र विप्लव है, इसलिए एडवाइस, एडवाइस अगर लेनी है तो वाइज आदमी से लो, मूर्ख से कभी मत लो, क्योंकि उसकी एडवाइस तो गलत होगी, आप पूरे खत्म हो जाओगे, इसलिए शास्त्रों में लिखा है स्त्री से कभी एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, दैट्स फर्स्ट रूल, क्योंकि वो रैशनली नहीं चलती, वो इमोशनली चलती है, इमोशन ज्यादा होते हैं ना, फिर तो और बुरा हो जाए।
स्त्री को पुरुष अपने हस्बैंड से एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि जनरली रुक्मणी ने द्रौपदी से, हाँ भागवतम में आता है ना कुछ, जब वो कुरुक्षेत्र में था कुछ पता नहीं क्या हुआ था। सो ऑफ कोर्स आई मीन टू से वो तो चलो भक्ति के बारे में था, बट नहीं आचरण के बारे में ली थी, आचरण के बारे में एडवाइस ली थी कि द्रौपदी से पूछा था कि तुम पांचों पतियों कंट्रोल कैसे करते। अच्छा अच्छा हाँ 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 वो था। हाँ ठीक है, रामायण में भी आता है, एक्सेप्शन है, जिस सीता देवी ने एडवाइस ली थी उनसे, ऋषि की पत्नी थी उनको लिया ना। हाँ 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 तो सीता ने अनुसुईया से ली थी, ले सकते हो मतलब, मगर वो एडवाइजेज अलग टाइप की एडवाइजेज थी। सीता ने ली थी अनुसुईया से कि हस्बैंड को कैसे सर्व करें या कपड़े कैसे पहने, वो सब था मतलब, ये एडवाइजेज थी। मगर अगर कोई रैशनल एडवाइस लेनी हो तो फिर तो यू कांट टेक फ्रॉम फीमेल, दे कांट थिंक लाइक दैट। सो या मतलब बच्चे को कैसे पालना है तो दूसरी से एडवाइस लोगे नहीं, उसको पता है। हाँ जी, जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना उसके लिए तो मेल्स होते हैं, अदरवाइज हाँ आचरण कैसे करना है, घर में कैसे रहना है, वो सब तो एडवाइस आप ले सकते हो। सो मंत्र विप्लव, एडवाइस बहुत ध्यान से लेनी चाहिए, किससे ले रहे हो पता होना चाहिए, मतलब हर एक से नहीं पूछ सकते, मूर्ख हर एक से पूछता रहता है नहीं, कोई प्रॉब्लम है प्रभु जी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है आप बता दीजिए, दूसरी बात प्रभु जी मेरे यहाँ प्रॉब्लम है बता दीजिए, सबसे पूछता रहेगा दुनिया में और कंफ्यूज हो जाएगा। जस्ट आस्क सम वाइज मैन जो एक्सपर्ट है फील्ड में, उससे पूछो ना तो हमेशा सही चलोगे, हर एक से क्यों पूछने की जरूरत है। दैट्स ऑल फिनिश। सो अदरवाइज वन एडवाइस कैन डिस्ट्रॉय होल किंगडम, वन एडवाइस। ओके दिस इज इंटरेस्टिंग, एक स्वादु न भुंजिंत, अकेले रहकर भोजन मत खाओ, अकेले भोजन मत खाओ, हमेशा अकेले स्वाद मत लो, कहने का मतलब है अकेले किसी चीज का स्वाद, अकेले स्वाद मत लो, एक्चुअली स्वाद मत लो मतलब किसी भी चीज को एंजॉय अकेले मत करो, वही वही बात है मिल बांट के, हाँ वही वही बात हो गई, मिल बांट के एंजॉय करो, दैट्स अ गुड थिंग। एकश्च अर्थस्थ न चिंतयेत, और अकेला किसी विषय का विषय वस्तु का निश्चय मत करो, अकेले किसी भी चीज को निश्चय मत करो, हमेशा डिस्कस करके कोई कंक्लूजन पे आओ, अकेले कोई कंक्लूजन मत ले लो, उनको अंदर बुला लो, उनको हरे कृष्ण अंदर आ जाइए, वहां से उस तरफ से दूसरी तरफ से। सो अकेले किसी चीज का निश्चय मत करो, कोई भी डिसीजन लेना है अकेले मत लो, अगर मतलब माइनर डिसीजन तो ले सकते हो, मेजर डिसीजंस अकेले मत लो, अपने फ्रेंड से पूछ लो क्या करना चाहिए, किसी से जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, और फिर आप डिसीजन ले लो तो बेटर है, तो वो डिसीजन हमेशा ठीक आएंगे, अदरवाइज क्योंकि अकेले आप हर एंगल में नहीं सोच पाओगे, आप उस किस एंगल में सोच रहे हो, दूसरा किसी एंगल में सोच रहा है, तो इट्स ऑलवेज वाइज टू आस्क एंड देन टेक अ डिसीजन, वो बहुत अच्छा है। और वो हम तब पूछेंगे जब हमें पता होगा कि हमें सब कुछ नहीं आता, अगर आप सोचोगे मुझे सब कुछ आता है तो फिर आप किसी से नहीं पूछोगे और कोई रिसर्च भी नहीं करोगे और अपने आप ही डिसीजन लेते रहोगे, अकेले डिसीजन लेना मतलब अहंकार का लक्षण है और कुछ नहीं है, मतलब मुझे आता है और मैं सब कुछ डिसीजन ले लूंगा, नहीं, आस्क, ऑलवेज आस्क, पूछने में शर्माना नहीं चाहिए कभी भी कि हम पूछेंगे तो वो क्या सोचेंगे, नहीं, जस्ट आस्क। इनफैक्ट जितने भी मैनेजमेंट खराब होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि लोग अपने आप डिसीजन लेते रहते हैं, और उनका उनसे पूछो भी तुमने अकेले क्यों ले लिया, तो क्या कहते हैं प्रभु जी हमें डर लगता था आपसे बात करने में, ये लो भाई अब क्या करेंगे अब तो पूरा ही कबाड़ा हो गया, ऐसा नहीं, दैट्स अ होल लॉजिक देयर। सो या इफ यू क्योंकि हम डिसीजन अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं ली रहे, सिर्फ टू ऑलवेज आस्क पीपल, अच्छे लोगों से हमेशा पूछो और फिर सही डिसीजन लो और फिर करो, फिर चाहे वो गलत हो सही हो बात अलग है, बट एक बार पूछ के करोगे तो हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा, अदरवाइज खुद करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा। सो एकश्च अर्थस्थ न चिंतयेत, तो मैं तो हमेशा ये करता हूँ, हमेशा डिस्कस कर लेता हूँ जो मैं जानता हूँ वर्ड में, लोगों को पूछ लेता हूँ एक बार कि
ऑफ कोर्स चाहे मुझे पता भी है सही भी, फिर भी पूछ लेता हूँ एक बार कि ये ठीक है या नहीं, तो एक क्लैरिटी आती है। अगर ठीक भी है तो उसको वो और ठीक भी हो सकता है, नहीं और भी रिफाइन हो सकता है, कोई कुछ आइडिया बता दे और भी रिफाइन हो जाता है। इसलिए मैं तो डिस्कस करता रहता हूँ जो लोग मेरे कॉन्टैक्ट में, उनसे पूछ लेता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले नहीं करता था बट मुझे समझ आ गया कि कर लेना चाहिए, क्योंकि अकेले आप चाहे सही भी डिसीजन लोगे मगर परफेक्ट नहीं होगा, उसमें लूप होल्स रह जाएंगे। ओके, एकश्च अर्थं न चिंतयेत। इसलिए जो जो क्या कहते हैं भगवान भी ऐसे ही, कृष्ण भी ऐसे ही। कृष्ण भी जब द्वारका में थे, जब डिसीजन देते थे तो हमेशा उद्धव से पूछते थे पहले, नहीं कि उद्धव तुम बताओ। तो उद्धव ये उद्धव ने बोला भी था भगवान आपको तो पता ही है फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो दिखाने के लिए भगवान ही दिखा रहे हैं कि अगर कोई डिसीजन लेना है तो पूछ के लो, वरना भगवान के डिसीजन तो परफेक्ट है। फिर भी इट्स ऑलवेज, अगर आप कितने ही परफेक्ट हैं फिर भी इट्स ऑलवेज गुड टू आस्क। इसलिए आपकी कंपनी अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए, वरना पूछोगे किससे? अगर भी कंपनी मूर्खों के साथ होगी तो मूर्खों से पूछोगे तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी। सो यू हैव टू ऑलवेज आस्क। एकश्च अर्थं न चिंतयेत, एको न गच्छेत् ध्वानम्। और अकेला रास्ता में नहीं चलने चाहिए, मतलब रास्ते पे अकेले नहीं जाना चाहिए। मतलब चाणक्य पंडित ने बोला भी है कभी भी जर्नी पे जाओ तो कितने लोग होने चाहिए, मतलब मिनिमम। एक्चुअली चाणक्य पंडित ने लिखा है कभी भी कहीं जाओ तो दो होने चाहिए, कभी भी लॉन्ग जर्नी पे जाओ तो चार होने चाहिए, मिनिमम चार लोग। क्योंकि कुछ लोग कुकिंग करेंगे, या आप एक बीमार हो गया तो एक संभालेगा, मान लीजिए आप बहुत एक बीमार हो गया तो एक संभालेगा और तीसरा आदमी कुछ अरेंजमेंट करेगा, नहीं तो तीन चार होने चाहिए ना। सो कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए किसी भी रास्ते पे। एनीवे, भक्ति के रास्ते भी अकेला नहीं चलना चाहिए, अदरवाइज डाकू आपको पकड़ लेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी लिख रहे हैं भक्ति के रास्ते पे भी डाकू होते हैं। कौन से कौन होते हैं? मना शिक्षा में लिख रहे हैं भक्ति के रास्ते पे डाकू होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ये सब डाकू हैं, बुद्धि हर लेंगे आपकी। इसलिए अकेला कभी नहीं चलना चाहिए, अकेला रास्ते पे ना चलें। इसलिए हमेशा एसोसिएशन लेते रहो, अकेले मत पड़े रहो। या इसीलिए एटलीस्ट जो ब्रह्मचारी आश्रम है वो तो जनरली अकेले नहीं है, ब्रह्मचारी आश्रम में भी रह के आप अकेले रह सकते हो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी कर सकते हो आप, अकेले ही पड़े हो किसी से बात नहीं कर रहे। और जो गृहस्थ हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एसोसिएट करते रहें, क्योंकि वो फिर अकेले अकेले पड़ जाते हैं तो फिर अकेले डिसीजन लेके गलत गलत डिसीजन लेके और फंसते रहते हैं संसार में, फंस जाते हैं वो, दे कांट थिंक प्रॉपरली, क्योंकि वो समाज में रह रहे हैं ना। तो समाज में रह रहे के वो आइडियाज आ जाते हैं, फिर मुझे और पैसे कमाना है, ये करना है, वो करना है, फिर फंस फंस के उसमें फंस जाते हैं, फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है, दैट्स ऑल। सो अकेले रास्ते पर ना चले। और ये मुझे पता नहीं इसका कोई मतलब बता दे, मुझे समझ नहीं आ रहा। नए का सुप्तेशु जागरयात, जब सब सो रहे हो तो जागना नहीं चाहिए। पता नहीं इस ये क्या एडवाइस है, मुझे पता नहीं, किसी को अंडरस्टैंडिंग है इसकी? जब सब सो रहे हो तो अकेला जागता नहीं रहना चाहिए। मूर्खों के बीच में ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है, खुश रहा जा सकता। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात, वो भी समझदारी है, छोड़ो ये समझ नहीं आएगा। मीनिंग तो ये है कि जो सो रहे हैं मतलब मूर्ख हैं। मुझे भी यही लगा था, बट आई थिंक सो दैट्स इन डायरेक्ट ट्रांसलेशन, बट आई डोंट नो इसका, मुझे पता नहीं नीति से क्या एडवाइस है। सब सो रहे हो तो जागना नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता एडवाइस। बेसिकली इसमें मुझे लगता है कि एक चीज है कि अगर सब सो रहे हो आप जाग रहे होगे तो धीरे धीरे लोग सोचने लगेंगे कुछ गड़बड़ कर रहा है, मतलब ये जाग क्यों रहा है भाई नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इन दैट सेंस इट्स अ प्रैक्टिकल एडवाइस, ये ठीक लग रहा है नहीं? किसका फोन है? ओह माय गॉड, ऐसा भी होता है। हरे कृष्ण।
ओके अबे जाके देखो यार, इसको ये सुनना चाहिए नीति शास्त्र कुछ गड़बड़ है। ओके ओके गाड़ी शायद है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। ओके विदुर जी लिख रहे हैं 52nd श्लोक, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए, या स्वर्ग मतलब अच्छी डेस्टिनेशन के लिए, सत्य ही एकमात्र सोपान है, दूसरा नहीं, किंतु कोई इसे समझ नहीं पाता। कहते हैं सत्यम परम धीमहि, सत्य ही इस सत्य में बहुत शक्ति है एक्चुअली, मगर सत्य एक बहुत बड़ी चीज है, मतलब सत्य एक छोटी चीज नहीं है, धर्म का पिलर ही है, धर्म का स्तंभ है सत्य, चार स्तंभ है ना, क्या क्या है, सत्य दया तपा शौचम, सत्य बहुत बड़ी चीज है, और शास्त्रों में लिखा है अगर आप एक भी स्तंभ पालन कर लो धर्म का, तीनों अपने आप आ जाएंगे, बस अगर मम्मी पापा आएंगे तो बच्चे अपने आप आ जाएंगे पीछे पीछे। सो अगर एक भी गुण पालन कर लें धर्म का, अपने आप सारे गुण आ जाएंगे, धर्म में इतनी शक्ति है, क्योंकि क्योंकि सत्य बहुत गहरा है, मतलब एक लेवल पे सत्य है कि आपको सच बोलना चाहिए दूसरों से, है नहीं, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुछ चीज मैनिपुलेट मत करो, जो है बोल दो, दैट्स ऑल, ऑफ कोर्स बोलने का ढंग होना चाहिए वो बात अलग है, बट सत्य बोलना चाहिए, वो बात अलग भी है कि आप हो सकता है पूरा सत्य ना बोलो, कभी कभी पूरा सत्य नहीं बोलते क्योंकि उसकी हानि हो जाएगी, जैसे हम बोलते हैं बी चैंट एंड बी हैप्पी, ठीक है, बट पूरा सत्य नहीं है क्योंकि हम उसको और चीजें नहीं बता रहे अभी, फिर हम और चीजें, मगर झूठ भी नहीं है, हमें तो नहीं कह रहे कि चैंट करोगे तो पैसे मिल जाएंगे, हमें कह रहे हैं चैंट एंड बी हैप्पी, ठीक है सत्य है, बट देन देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। सो सत्य एक तो दूसरों से सच बोलना है, दूसरी लेवल होता है सच बोलना अपने से सच बोलना, वो भी सत्य होता है। सो अगर आप अपने से सच, अपने से सच मतलब वेल जो आप सोच रहे हो वो कर रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो अपने से सच बोल रहे हो आप, अपने से झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो एक वो बात है सच की, और सच का तीसरा लेवल है कि आप सही में जानते हो अपने बारे में, आप सत्य रूप से अपने बारे में जानते हो कि आप कौन हो, आपके गुण क्या है, आपके दोष क्या है, तो वो मतलब वो सच एक तीन लेवल पे चलता है, आप गहराई में गहराई में गहराई में, तो सच के जब जब आप पूरी तरह, और ऑफ कोर्स आई मीन टू से परम सत्य है भगवान की भक्ति, भगवान मतलब ये समझना कि मेरा कनेक्शन किससे है, आत्मा का कनेक्शन किससे, मैं कौन हुआ, मेरा कनेक्शन किससे है, भगवान से, तो वो दूसरों से सच बोलने से भक्ति तक एक बहुत बड़ा एक डायमेंशन है सच का, अगर आप पूरी तरह सत्य पालन कर लोगे सारे गुण अपने आप आ गए, नहीं भक्ति भी आ गई, आपके दोष भी हट गए, गुण भी आ गए, दोष हट गए तो दया अपने आप आ जाएगी, है नहीं, मन अपने आप वश में आ जाएगा, तपस्या अपने आप आ गई, यू सी द पॉइंट। तो इसलिए वो कह रहे हैं सत्य सबसे बड़ी नाव है इस भव सागर को पार करने के लिए, दूसरों से सच बोलना, अपने से सच बोलना, सत्य रूप में अपने आप को समझना, और परम सत्य से जुड़ना, ये सारा सत्य में आता है। इसलिए कृष्णा, इसलिए भागवत में लिखा है सत्यम परम धीमहि, वो सत्य सिर्फ कृष्णा नहीं है, वो पूरा ही है सत्य, इसलिए वो कह रहे हैं सत्य सबसे बड़ी चीज है। ओके 53rd श्लोक, एका क्षमा वाताम दोषो द्वितीयो न उपपद्यते, क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष आरोप होता है, जो क्षमाशील लोग होते हैं, जो क्षमा करते हैं दूसरों को, उनमें एक ही दोष होता है, वो क्या होता है कोई बताएगा, क्षमा पता है ना क्या होता है, ये तो पता होगा क्षमा क्या होता है, ये भी नहीं पता, वेल थोड़ा बहुत पता है क्योंकि हम लोग, क्षमा क्या होता है, हाँ तो मतलब माफ किसको करोगे या माफ करना, बहुत बड़ी क्वालिटी है क्षमा, और क्षमा ना होने की वजह से सारी प्रॉब्लम होती है, सारी प्रॉब्लम उसी से होती है।
नहीं नहीं वो अलग है, क्षमा अलग है। क्षमा मतलब लोग याद रखते हैं ना कि उसने मेरा ऐसा किया था, रखते नहीं रखते कई सालों बाद भी, और फिर सही से डिसीजन ले नहीं पाते। तो बट अ रियल मैन फॉरगेट एंड फॉरगिव, सुने, वो माफ कर देता है लोगों को। ठीक, किसी ने 1000 बार गलती की, माफ कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफकोर्स उसको वार्निंग जरूर देगा कि तुम्हें सही कर लेना चाहिए, बट माफ जरूर कर देगा। अगर कोई आपको मारे तो माफ कर देगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कोई आपको इंसल्ट करे तो माफ कर देगा, उससे प्रभावित नहीं होगा वो कि उसने मुझसे ऐसा इंसल्ट कर दी। सो बहुत बड़ी चीज है माफ करना, लोगों से होता नहीं क्षमा करना। क्षमा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम याद रखते हैं नहीं। और सबसे सबसे बड़ी चीज है फॉरगिव। पूरी पूरी क्रिश्चियनिटी इस पे बेस्ड है, क्षमा पे। बाय द वे पूरी क्रिश्चियनिटी, मतलब क्राइस्ट ने भी बोला था एंड मोमेंट पे, जब उनको क्रूसीफाई कर रहे थे तो उन्होंने क्या बोला था, भगवान इनको क्षमा कर दीजिए क्योंकि इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग, यानी आपको मार रहा है कोई, आपको तंग कर रहा है, फिर भी आप भगवान से प्रे कर रहे हो, भगवान इसको क्षमा कर दीजिए। वो एक साधारण आदमी नहीं कर सकता, वो एक बस की बात नहीं है। बट जिसमें गुण आ जाए बहुत बड़ी बात है, ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमेशा प्रैक्टिस करो। ये क्षमा करो, क्षमा करोगे तो हेल्प भी कर सकते हो आप लोगों की। क्षमा नहीं करोगे तो हेल्प नहीं कर पाओगे, फिर कहोगे इसने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, फिर हेल्प थोड़े ना करोगे आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ऑल फॉरगिव एंड क्षमा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह मगर उसमें एक दोष होता है जो क्षमाशील व्यक्ति होता है, पता है क्या होता है? वह दोष है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझते हैं। नहीं, इसमें जान ही नहीं थी इसलिए इसे क्षमा कर दिया, इसकी तो उसको बैंड बजानी चाहिए थी। ऐसा होता है, नहीं होता है? हाँ, इसलिए बदला ही नहीं लिया, देखो ये तो नपुंसक है, बदला ही नहीं लिया, तो कोई जान ही नहीं है। दैट्स वन थिंग, डरपोक मानते हैं ना क्षमाशील व्यक्ति को, तो क्षमाशील व्यक्ति को ये मानते हैं। मगर एक संत, एक साधु पुरुष क्षमा कर देता है। क्यों क्यों करते हैं हम, क्यों करते हैं दूसरों को क्षमा? क्योंकि भगवान ने उसको क्षमा, क्योंकि भगवान हमें क्षमा करते रहते हैं। कितनी बार क्षमा कर दिया हमने, कितनी बार गलतियां की हैं और कितनी बार भगवान क्षमा कर रहे हैं और आगे भी क्षमा करते रहेंगे, है नहीं? और हमें पता होता है हमने गलती कर दी, फिर भी भगवान अपने पास रख रहे हैं, रख नहीं रहे, अपना नाम लेने का मौका दे ही रहे हैं, वरना तो छीन लेंगे। सो भगवान तो माफ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, हर क्षण पे क्षमा करते जा रहे हैं। तो भगवान, अगर कृष्णा हमें जन्मों जन्मों क्षमा कर सकते हैं, तो हम इस जन्म में लोगों को क्षमा नहीं कर सकते क्या? भूल जाओ और फिर से उसके बाद दोबारा साथ में चल के चलो, उसमें क्या है? दैट्स ऑल। आपका माइंड अलाउ नहीं करेगा, आपका माइंड सोचता रहेगा वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, सोचता ही रहेगा, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। भक्ति से हो सकता है, अगर आप भगवान को स्मरण करोगे तो अपने आप एक गुण आ जाएगा, भगवान को भूल जाओगे तो गुण खत्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान भी हमें क्षमा कर रहे हैं। सो किंतु क्षमाशील पुरुषों का वह दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है, क्षमा ही परम बलम। क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण है और समर्थ व्यक्तियों का भूषण है। 54th verse, समर्थ जो समर्थ, जैसे राम भगवान क्षमा ही, राम भगवान ने बोला था रावण आ जाए तो अभी भी उसको क्षमा कर दूंगा, बोला नहीं था, तो क्या वो असमर्थ है? नहीं, तो समर्थ होके भी क्षमा करता है वो तो भूषण बन जाता है। हमें पता है कि राम भगवान तो चुटकी में खत्म कर देते, फिर भी क्षमा कर दिया तो राम भगवान के और प्रशंसा बढ़ गई, है नहीं? तो समर्थ होते भी जो क्षमा करे वो तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, वो तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, तो वो भूषण बन जाता है और वो बहुत अच्छा है। आप असमर्थ हो फिर क्षमा कर रहे हो तो फिर वो इतना अच्छा वो भूषण नहीं है, फिर तो गुण है वो, चलो ठीक है, गलेंगे कर ही नहीं सकता था तो इसलिए क्षमा कर दी इसने। अगर आप समर्थ हो फिर क्षमा कर रहे हो तो वो भूषण है, इसलिए भगवान क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्व समर्थ है और फिर भी क्षमा कर रहे हैं। इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है। आप किसी को क्षमा कर दोगे, किसी ने गलती कर दी,
आप समर्थ हो पनिशमेंट देने की, फिर भी आपने क्षमा कर दी, तो वो आपके अंडर हो जाएगा हमेशा के लिए, है नहीं? कहेंगे भैया तो मैं पनिशमेंट दे सकते, फिर भी उन्होंने हमें छोड़ दिया, देखो कितने अच्छे हैं, है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है। भला क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेगा। मतलब कृष्ण भगवान भी गए थे शांति दूत की तरह, बिल्कुल एंड तक, महाभारत का युद्ध ऑलमोस्ट होने ही वाला था, फिर भी भीम ने कहा अब तो हम लड़ेंगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता। युधिष्ठिर महाराज भी कह रहे थे, युधिष्ठिर महाराज ने भी कहा कि हम लड़ेंगे, कृष्ण भगवान ने कहा लास्ट बार ट्राई कर लेते हैं, नहीं? दुर्योधन धृतराज से मिलने नहीं गए दुर्योधन से, फिर जब दुर्योधन ने पकड़ लिया था, दुर्योधन ने कहा कृष्ण को पकड़ लेते हैं फिर हम, तब भगवान ने वहां विराट रूप दिखाया उनको कि तू पागल है, मतलब ये तो नॉनसेंस आइडिया है। फिर भी भगवान ने शांति और क्षमा के लिए, भगवान ने कहा अभी भी क्षमा कर देते हैं, क्षमा मतलब शांति, नहीं ठीक है शांति बना लेते हैं, है नहीं? लड़ाई क्यों करनी है, इसने ऐसा किया चलो शांति कर लेते हैं। मतलब महाभारत युद्ध शुरू होने के, शंख बजने के बाद भी भगवान ने शांति का सोचा नहीं, शंख बज गए फिर भी तो चैरियट बीच में लेके गया अर्जुन, अर्जुन ने बोला ना मेरा रथ बीच में रखिए, भगवान ने फिर भी एक, मतलब ऑफ कोर्स भगवान ने अर्जुन को बोला कि लड़ो वहां पे, उसको इंस्पायर किया लड़ो, बट फिर भी भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया नहीं दिया, और वो ज्ञान हमें पता है देवी देवताओं को भी सुनाई दे रहा था, सबको सुनाई दे रहा था वो ज्ञान एक्चुअली, तो अगर वो ज्ञान समझ लेते तो ठीक रहता, अगर फिर भी ज्ञान नहीं समझे, भगवान ने तो प्रेरित किया अर्जुन को लड़ाई करने के लिए, बट भगवान ने एंड मोमेंट तक शांति के लिए ट्राई किया। और अगर उस टाइम दुर्योधन बोल देता चलो ठीक है मैं शांति के लिए तैयार हूं, भगवान उसी वक्त बंद कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यू सी द पॉइंट, एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शांति के लिए ट्राई करता रहता है एंड मोमेंट तक, चाहे कितना ही झगड़ा बढ़ जाए, अगर एंड मोमेंट पे भी आपको दुश्मन आके कहे चलो ठीक है मुझे माफ कर दो, चलो ठीक है भूल जाए, फिनिश, फ्रेश स्टार्ट कर लो, हमेशा इसके लिए रेडी रहना चाहिए, फ्रेश स्टार्ट के लिए हमेशा पिन प्रिक नहीं करना चाहिए, पहले ऐसे हुआ था तूने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, बस हो गया। नो, ये क्वालिटी है डिवोटी की। सो तब आप काम कर पाओगे लोगों के साथ, वरना लोगों के साथ काम नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि हर कॉन्फ्लिक्ट तो होगा लोगों के बीच में, नहीं? आप दो चार लोग काम करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट समझते हो ना आप लोग, कॉन्फ्लिक्ट क्या कहते हैं, मतभेद तो होता ही है, चीजें तो होती हैं, बट यार फॉरगेट, चलो कोई नहीं ठीक है हो गया, बड़ी से बड़ी चीज हो गई, चलो हो गया कोई नहीं, मतलब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, ऐसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और मान लीजिए बलराम प्रभु ने 50 लाख रुपए खो दिए, प्रभु जी खो गए 50 लाख, तो क्या करेंगे हम, व्हाट टू डू, तो क्या एक्शन होगा? अगर मान लीजिए कोई, अगर प्रेम प्रभु होंगे वो तो बैंड बजा देंगे शायद, मुझे नहीं पता, अबे 50 लाख खो दिए तो आज से कोई प्रोजेक्ट में साथ नहीं हो गए, बकवास हो तुम, ये हो वो, डांट टूट के भगा देंगे मार पीट के, बट खो ही दिए मतलब अल्टीमेटली। सो अगर खो दिए तो मैं क्या करूंगा, ठीक है चलो ओके गुड, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो इसलिए नो प्रॉब्लम क्योंकि मुझे पता है कि बलराम रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, वो मुझे पता है नहीं? अगर कोई ऐसी होता ऐरा गहरा नथु गहरा तो चलो ठीक है, फिर तो हम कहते भैया आज से तू प्रोजेक्ट में नहीं है, तू ऐसे ही करता है, तो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है तो खो गए ठीक है, किसी से भी खो सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, भूल जाओ आगे बढ़ो, दैट्स ऑल। अब सोचते हैं कि दोबारा पैसे कैसे लाने, इस पर दिमाग लगाते हैं, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया, मैंने निकाल दिया लड़ के ऐसा हो गया तो क्या हुआ, तो उसमें मेरे प्रेमी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बंदा भी गया पैसे भी गया, मुझे अकेले सोचना कैसे लाना है, दैट्स अ फूलिशनेस, बेवकूफी है वो, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। अगर मैंने क्षमा कर दिया ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वो व्यक्ति सोचेगा, फिर बलराम सोचेगा भाई मुझे तो माफ भी कर दिया, अब मैं लेके लाके दिखाऊंगा, उल्टा हो जाएगा, 50 लाख नहीं, अब मैं 100 लाख लाके दिखाऊंगा, 1 करोड़, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। सो ये बुद्धिमान थे, मगर बुद्धि पता है, मगर आपकी बुद्धि ऐसे चलेगी नहीं, अगर द्वेष होगा तो चला नहीं पाओगे आप,
क्योंकि बुद्धि हमेशा द्वेष, ये कहेगी इसने मेरा काम खराब कर दिया, मेरे 50 लाख हो गए, घबरा जाओगे ना, 50 लाख हो गए, घबरा घबरू के फिर द्वेष से आपका माइंड कंट्रोल नहीं होगा तो आप कर नहीं पाओगे। तो इसलिए एक भक्ति क्षमावान हो सकता है, क्योंकि भक्ति के प्रभाव से वो सतोगुण में आ जाता है और एक गुण कर सकता है। इसलिए कई लोग पढ़ते रहते हैं मगर कुछ कर थोड़े ना पाते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, नहीं अच्छा बनो, ये गुण होने चाहिए, टाइम आता कुछ नहीं कर पाते, कुछ कर ही नहीं पाते। इसलिए धर्म सही मायने में तो भक्ति पालन कर सकते हैं, अभक्त तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो अपने आप को संभाल ले, बहुत बड़ी बात है। सो क्षमा बहुत बड़ा भूषण है समर्थों का, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। निकपिक मत सोचो, आप अपनी हानि, आपको अकेले ही करना पड़ेगा फिर सब कुछ, देख लेना, कर लो फिर अकेले कर लो, कुछ नहीं होगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है, त्रिन रहित। ओके okay, या वैसे बड़ी अजीब सी बात है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है ये बड़ी अजीब सी तुलना है। शांति खग, शांति खगा कह रहे हैं, शांति हगा कर रही है इससे, शांति की तलवार जिसके पास है, बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है, नहीं शांति की तलवार भी होती है बट शांति की तलवार भी होती है, मतलब तलवार पकड़ने का शौक है तो शांति की तलवार पकड़ लो, तलवार तो छोड़ोगे नहीं, वो तो पता ही है, मारपीट की तो आदत है, पंजाबी हो जाता है तो ठीक है भाई, तलवार पिस्तौल पकड़ने आ जाए तो शांति की तलवार पकड़ो, वो वाली पिस्तौल नहीं तो बबल वाली नहीं होती वो बबल निकले, हाँ चलो सब खुश हो गए, लड़ाई नहीं हुई ओके सो ओके त्रिन रहित, ओके 56, त्रिन रहित स्थान में गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है, और जहां पे घास नहीं होती अगर वहां पे आग पड़ी तो बुझ जाएगी, है नहीं, स्पार्क चिंगारियां बुझ जाएगी। क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना लेता है, तो क्षमा नहीं करता उसको तो दोष लगा ही, अधर्म करने का क्षमा नहीं किया और दूसरे को भी दोष लग गया, क्योंकि उसने क्षमा नहीं किया तो वो और उसके बारे में उल्टा पुल्टा सोचेगा, सी द पॉइंट, क्योंकि वो तो वैसे भी अनकंट्रोल्ड आदमी है, तो दोनों ही दोष के भागी हो गए, दोनों ही अधर्म के भागी हो गए। इसलिए हमें क्षमा कर देना चाहिए हमेशा, ये सोचकर कि भगवान भी हमें क्षमा कर रहे हैं, और जो दूसरों को क्षमा नहीं करेगा भगवान भी उसको क्षमा कभी नहीं करेंगे, टिट फॉर टैट, फिर देखना, फिर आपकी भक्ति छूट जाएगी, फिर माइंड डिस्टर्ब होगा, भक्ति छूटेगी, क्योंकि आपने अधर्म किया, अधर्म किया तो माइंड डिस्टर्ब होगा, माइंड डिस्टर्ब होता है इसलिए क्योंकि हम अधर्म करते हैं, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है इसका मतलब आपने धर्म की हानि की है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो धर्म से चलेगा उसको कभी, उसका माइंड कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, आ गया, एको धर्म परम श्रेय, धर्म ही परम श्रेय है, समयिक शांतिर उत्तम, एकमात्र केवल एक धर्म ही परम कल्याणकारक है, केवल एक क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। वेल क्षमा में सॉरी भी आता है, नहीं आप ही क्षमा मांग लो दूसरों से, ये भी तो है, या तो दूसरे को क्षमा कर दो या खुद क्षमा मांग लो, शांति हो गई, बस एक ही बात है, शांति का सबसे बड़ा उपाय है भाई, आपकी लड़ाई हो रही है, अगर आप सही हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सॉरी मांग लो, ठीक हो जाएगा, इंस्टेंट ठीक हो जाएगा, आप करके देख लेना, मगर सही होने के बाद भी सॉरी मांगना, उसके लिए भी एक यहां पे वो हिम्मत चाहिए, वो पत्थर भी रखना पड़ता है, ये भी बात है, सही होने पे भी सॉरी मांगना वो बहुत बड़ा गुण है, उससे सब कुछ ठीक हो जाता है, मगर मांगना मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम आपका लॉजिक चलेगा, उस टाइम मान लीजिए मैं किसी से बोलूंगा प्रभु अरे तुमने तो गलत किया, वो कहेगा नहीं मैंने तो गलत नहीं किया, मैं तो सही हूं, उसके दिमाग में नहीं आएगा सॉरी मांगना, क्योंकि लॉजिक चलेगा मैं सही हूं, बट दैट्स हाउ इट गोस, लॉजिक से दुनिया चलती नहीं, दुनिया चलती है धर्म से, तर्क से नहीं चलती, धर्म सनातन है, तर्क सनातन नहीं है, कभी सुना है, तर्क सनातन नहीं होता,
तर्क तो केवल सेकेंडरीली हेल्प करता है, तर्क तो टायर है, गाड़ी थोड़े ना है, थोड़ा मदद करेगी बस, धर्म को धर्म की रक्षा के लिए। धर्म से चलती है दुनिया। धर्म कभी कभी आपको लॉजिकल नहीं लगेगा, तर्कहीन लगेगा धर्म आपको, मैं सही हूं मैं क्यों मांगू, सॉरी मैं तो बिल्कुल सही हूं। नहीं, सही और गलत की बात नहीं है, बात है शांति की, है नहीं? सो अगर शांति हो जाएगी तो फिर सही गलत भी काम हो सकता है, अगर शांति नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। सो धर्म पे ध्यान रखो, सही गलत पे मत रखो हमेशा, वो कॉम्प्लेक्स है। अगर आप धर्म भी पालन कर सकते हो, तर्क भी कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो बेस्ट है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर अगर कभी तर्क और धर्म में लड़ाई हो तो धर्म ऊपर है, तर्क छोड़ देना उस टाइम, कि तर्क लगाओगे तो गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। एक्चुअली भगवान ने बुद्धि दी इसलिए थी इंसानों को कि वो नर्क चले जाए। ऐसे हुई थी डिस्कशन हुई थी कली और भगवान में, नर्क चले जाए डिस्कशन हुई थी कली और भगवान में, तो कली ने कहा मैं कैसे मनुष्य को डिस्ट्रॉय करूं, वो भगवान से पूछने चला गया। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम मेरे पास आए हो तो मैं खाली हाथ नहीं भेजूंगा, एक काम करो कि उनको बुद्धि दे दो, उनको इंटेलिजेंट बना दो। तो कली सोच रहा था, तो बिल्कुल उल्टा सोच रहा था, मैं तो सोच रहा था मूर्ख बना दूं उनको। भगवान ने कहा नहीं, उनको इंटेलिजेंट बना दो, इंटेलिजेंट बनाओगे तो वो गलत डिसीजन ले लेके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के गिर जाएंगे वो। क्योंकि अगर आप बुद्धिमान हो और अच्छे व्यक्ति नहीं हो तो बुद्धि गलत डायरेक्शन में चलाओगे, है नहीं? अच्छाई अलग होती है और बुद्धिमानता अलग होती है। सो अगर आप अच्छे व्यक्ति नहीं, अच्छाई धर्म से आती है, अच्छे गुणों से। अगर अच्छे गुण नहीं आपके पास, बुद्धि आ गई तो कबाड़ा हो जाएगा आपका भी दूसरे का भी। इसलिए सबसे पहले अच्छे गुण होने चाहिए, बुद्धि हो ना हो वो चलो अच्छा, बुद्धि है तो भूषण है, है? हाँ, तभी बुद्धिमान लोग धर्म को नहीं मानते ना। धर्म समझने से नहीं आता, धर्म पालन करने से समझ आता है, सिर्फ समझने से नहीं आता। लेकिन धर्म पालन करने के लिए तो विवेक और बुद्धि चाहिए। धर्म पालन करने के लिए विवेक चाहिए, मगर बात की स्टेज में, शुरू की स्टेज में धर्म पालन करने के लिए ओबीडियंस चाहिए, बस फॉलो करोगे तो आ जाएगा, दैट्स ऑल। जैसे क्षमा है, आप करना शुरू कर दो आ जाएगा वो गुण, आप देखना। नहीं, वो फॉलो करने के लिए डंडा चाहिए शुरू में गुरु का वो शुरू में तो विवेक है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उसके, कुछ भी नहीं है, वो तो जानवर है। इसलिए गुरु चाहिए, इसलिए बिना धर्म, बिना गुरु के धर्म पालन हो ही नहीं सकता। पहला रूल ही है धर्म का, गुरु। बस गुरु एक्सेप्ट करने के लिए तो बुद्धि चाहिए ना, कि मुझे गुरु बुद्धि का है गुरु एक्सेप्ट करने के लिए बुद्धि चाहिए थोड़ी सी, वो बात सही है। मगर महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं भाग्य चाहिए, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण। बुद्धि लगा के भी कहां पहुंच पाते हैं लोग सही उस पर, भाग्य ही चाहिए, कुछ कर नहीं सकते। हाँ हाँ, कुछ नहीं, हाँ वही बात है, तो क्या करोगे? मान लीजिए आप रामकृष्ण मिशन में चले जाते पहले तो वहां अटक जाते, इतनी तो बुद्धि थी नहीं हमारे पास उस टाइम, हमें वो सही लगने लगता। हाँ वो बात है कि हम 10 साल बाद छोड़ के आ जाते इस कौन में, अगर हम पढ़ते रहते फिर थोड़ी बुद्धि आ जाती, हाँ भी हमें गलत लगता, मगर कई लोग नहीं आ पाते, अटक जाते। मैं तो 3-3 जगह छोड़कर आया हूं, चौथी में इस्कॉन में। हाँ तो भाग्य है, बुद्धि बुद्धिमान नहीं हो आप, ये मत समझो भाग्य है भाग्य है, भाग्य होता है बुद्धि। एक्चुअली हम बुद्धि पे बहुत ज्यादा, बहुत एक्चुअली ये समाज जो है बुद्धि पे बहुत ज्यादा विश्वास रखता है, मॉडर्न सोसाइटी, रैशनैलिटी, इंटेलिजेंस। एक्चुअली बुद्धि मेन चीज नहीं है किसी भी शास्त्र में, बहुत ही पीछे है। सबसे मेन चीज है शास्त्र में धर्म, भावनाएं, यू सी, दैट्स अ मेन थिंग जिसको सपोर्ट करती है बुद्धि। मगर अब बिल्कुल उल्टा कर दिया, बुद्धि को ऊपर कर दिया है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का काम ही है बुद्धि को ऊपर करना, वेस्टर्न वर्ल्ड ने किया ना, रैशनैलिटी ऊपर है, और फिर उस बुद्धि को लगा लगा के धर्म को मिथोलॉजी बना दिया, सुपरस्टिशन बना दिया, सारी भावना को खत्म कर दिया, टक 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 ऐसे ही चलते हैं हम हमेशा।
यस सर टक टक टक, ऐसे दुनिया नहीं चलती और ना ऐसे आप चलोगे कभी, और ना ऐसे माइंड चलेगा ना ऐसे भक्ति चलेगी। मन से हाँ बुद्धि श्रेष्ठ होती है, वो श्रेष्ठ का मतलब ये नहीं है कि तो फिर क्या हुआ, तो मन तो धर्म तो आत्मा का, आत्मा का रोल है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है, आत्मा में असली असली भक्ति भावनाएं और धर्म उसका लिंक है नहीं, बुद्धि से नहीं है उसका लिंक। सो या ऑलवेज अगर डिसीजन लेना है तो धर्म के अनुसार और भावना से देखो तो दिखाई देगा सही चीज, बुद्धि से सपोर्ट कर दो, बिल्कुल ही बुद्धि नहीं लगाओगे तो फिर डायरेक्शन गलत हो जाएगी, वो भी गलत हो जाएगा, बुद्धि से सपोर्ट होना चाहिए बस, रिप्लेस नहीं होना चाहिए तो बहुत गड़बड़ है। ओके या दिस इज गुड। तो केवल धर्म एक धर्म ही कल्याणकारक है, केवल एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, केवल एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है, केवल एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है, और एक केवल एक अहिंसा ही सुख देने वाली है। विद्या ही संतोष देती है नहीं, अगर आपके पास विद्या नहीं है, नॉलेज नहीं है तो आपका माइंड सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, है नहीं, आप सीखते हो चीजें समझते हो तो सीखते हो जितनी चीजें तो सेटिस्फाई होते, चलो अभी हम सीख रहे हैं, आप सीखोगे नहीं तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, विद्या यू टू लर्न थिंग्स तो माइंड सेटिस्फाई होता है, विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एक अहिंसा ही सुख देने वाला है। अहिंसा भी बहुत बड़ी चीज है, अहिंसा भी छोटी चीज नहीं है, अगर आप सत्य पालन करोगे तो तपस्या शौच दया अहिंसा अपने आप आ जाएगा, अहिंसा पालन करोगे तो शौचम तपस सत्य वो अपने आप आ जाएगा, केवल एक फॉलो करना है आपको अच्छी तरह, अपने आप सब कुछ आ जाएगा, केवल भक्ति करोगे तो बाकी अपने आप सब कुछ आ जाएगा, यू सी, बट द पॉइंट इज उसको फिर आपको समझना पड़ेगा कि भक्ति का डायमेंशन कितना है, कहां तक जा रही है भक्ति, कहां तक सत्य का लेवल है, दैट्स वो फॉलो करते करते समझ आएगा, सिर्फ समझने समझ नहीं आएगा, फॉलो करते रहोगे तो आ जाएगा। सो या ओके 58th लिख रहे हैं, बिल में रहने वाला मेंढक आदि जीवों को जैसे सांप खा जाता है, बिल में रहने वाला मेंढक आदि, ओके एनीवे, बिल में रहने वाले मेंढक को सांप खा जाता है, द्वयमौ ग्रसते भूमि सर्पौ बिल शयानिव, उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रु से विरोध न करने वाले राजा और परदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण इन दोनों को खा जाती है। नो दैट्स इंटरेस्टिंग, समझ नहीं आया, ओके जिस प्रकार बिल में रहने वाले मेंढक को या चूहे को सांप खा जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी दो जनों को खा जाती है, एक वो ब्राह्मण जो कि ट्रैवल नहीं करता, जो ब्राह्मण ट्रैवल नहीं करता वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मतलब जो ट्रैवल नहीं कर रहा, प्रीचिंग नहीं कर रहा, लोगों से मिल नहीं रहा, उसकी 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 विजडम नहीं बढ़ेगी, वो किताबी कीड़ा रह जाएगा, ब्राह्मण है ना वो पठन पाठन में, तो किताबी कीड़ा बन के अहंकारी बन जाएगा और गलत गलत चीजों में फंस जाएगा और गिर जाएगा, इसलिए चाणक्य पंडित भी कह रहे हैं अगर वाइज बनना है, वाइज बनना है तो सबसे बड़ा उपाय ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग, प्लेटो सोक्रेट सब ट्रैवल करके वाइज बने, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा ना, किताबों से कुछ पता नहीं लगता, आप देखोगे लोगों से मिलोगे कि भी उन्होंने क्या गलती की, उन्होंने कैसे किया, तो चीजें समझ आएंगी एग्जैक्टली शास्त्र क्या है, वरना समझ नहीं आएंगी, इसलिए इसलिए चैतन्य अपने का प्रीचिंग करो, प्रीचिंग में ट्रैवलिंग, प्रीचिंग ट्रैवलिंग ही एक तरह से, आप जा रहे हो इतने लोगों से, ट्रैवलिंग का मतलब क्या है, बहुत लोगों से मिलना, सो प्रीचिंग मतलब बहुत लोगों से मिल रहे हो, चाहे आप ट्रैवलिंग कर लो चाहे यहां पे लोग आ जाएं, एक ही बात है, बट ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा रहता है। वो क्या कहावत है, रमता जोगी क्या है, बहता पानी कहावत है ना, बहता पानी रमता जोगी, सुना है नहीं, सुना है, जो योगी जो ब्राह्मण एक ही जगह बैठ जाता है, वो जैसे पानी एक जगह बैठ जाएगा तो सड़ जाएगा, वो सड़ना शुरू हो जाएगा, सो दैट्स वन थिंग ट्रैवलिंग, इसलिए मेरे ख्याल से हर को प्रीचिंग के लिए भेज देना चाहिए, तब अगर साथ पड़ा रहेगा वो तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कंट्रोल करना, फिर कंट्रोल करने में बिजी हो जाओगे लोगों को,
मेन काम होगा ही नहीं, जस्ट सेंड आउट प्रीच नो प्रॉब्लम, स्पीक अबाउट गॉड, उसमें क्या है, भगवान के बारे में बोलो जाके, चाहे एक को बोलो चाहे दो को बोलो, बोलो। सो वो ब्राह्मण खत्म हो जाएगा और शत्रु से विरोध न करने वाले राजा खत्म हो जाएंगे। जो राजा शत्रु से विरोध नहीं करते, अपने शत्रुओं को खत्म नहीं करते, वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शत्रु तो सोचेगा उसको मारने की है नहीं। सो दो जनों को पृथ्वी खा जाती है। दैट्स इंटरेस्टिंग, पृथ्वी खा जाती है, मतलब द पॉइंट इज ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण है, कोई फुल टाइम है, कोई सन्यासी, ब्राह्मण मतलब कोई डिवोटी है, तो ट्रैवल एंड प्रीच, ट्रैवल एंड प्रीच, प्रीच करो, प्रीचिंग नहीं करोगे तो खत्म हो जाओगे बस, ये आपकी नॉलेज मैच्योर नहीं बनेगी। ये तो मुझे भी पता है अपने अपने एक्सपीरियंस से भी, मतलब अमेरिका जाके मैंने बहुत कुछ सीख लिया, क्योंकि ट्रैवलिंग की ना, बहुत सारे लोगों से मिल के समझ आ गया कि क्या चल रहा है, अदरवाइज अपनी दुनिया में होते हैं लोग। ओके 59th, जरा भी कठोर ना बोलना और दुष्ट पुरुषों का आदर न करना, इन दो कर्मों को करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। द्वे कर्मानी नरा कुर्वन, दो चीजें करनी चाहिए। त्रिमलोके विरोचते, तीनों लोक में फेमस हो जाओगे आप सिर्फ दो चीजें करने से, पैसे कमाने से नहीं। अब्रुवन पुरुषम किंचित, मतलब कभी भी अब्रुवन पुरुषम किंचित असतो अनअर्चयम तथा, कभी भी कठोर मत बोलो और असतो अनर्चयम तथा, और कभी भी असत लोगों के साथ संग ना करो और ना असत लोगों का ना असत्य चीजों का आदर करो। दैट्स ऑल। तो हमेशा आप की लोग प्रशंसा करेंगे। सो कभी भी कठोर ना बोलो, कठोर ना बोलो, अब्रुवम पुरुषम किंचित पुरुषम, कठोर ना बोलो मतलब वेल, वो क्या कहते हैं उसको, हिंदी का दोहा है ना, ऐसी वाणी बोलिए, वो अच्छी सही है, नॉट अ बैड सही, मैं करता कौन है, करता कोई नहीं है, दैट वो कला है, वो याद रखना पड़ता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, कभी भी कठोर नहीं बोलना चाहिए। भगवान कृष्ण को देख लो, कभी भी कठोर नहीं बोलते थे, एक्सेप्ट आई मीन टू से, अगर कोई वॉर में ही खड़े ऐसे शाल्व आ गया था, जरासंध आ गया था, पौंड्रक आ गया, तो उनको तो भगवान ने कठोर बोला, वो तो फाइट हो रही है फेस टू फेस, वो तो बात अलग ही है। ऐसे भगवान कभी कठोर नहीं बोलते थे, अपने आराम से बोलते थे। सो क्योंकि कठोर बोलने से कुछ होगा भी नहीं ना, तभी तो कहा जाता है वाणी ऊंची करने से कुछ नहीं होगा, विचार ऊंचे करो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, आप ही गड्ढे में जाओगे। सो या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी कठोर मत बोलो, कभी भी ऐसा मत बोलो कि लोग हर्ट हो जाए, हर्ट समझते हो ना आप, हाँ मतलब हाँ दुखित, हाँ मतलब डिस्टर्ब हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि डिस्टर्ब हो जाए, ट्राई टू स्पीक समथिंग की जिससे उनको उत्साह मिले और वो समझ जाए आपकी बात, उत्साह मिलेगा तो समझेंगे भी, दुखी होंगे तो समझ भी नहीं पाएंगे, आप कितने ही समझा लो। सो दैट ये दो चीज़ें हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए, गलत चीज़ों या गलत लोगों का, गलत चीज़ों का आदर नहीं करना चाहिए, गलत लोगों से संग नहीं करना चाहिए, आदर करना मतलब वही हो गया, और कभी भी कठोर नहीं बोलना चाहिए, विशेष शोभा पाता है इस संसार में। 60, दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां, ये क्या है, दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां, स्त्रियां अच्छा 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 ठीक है, मतलब लूज करेक्टर वाली औरतें, और दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्य, आदर करने वाले पुरुष, दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्यों का आदर करने वाले पुरुष, अच्छा मतलब एक तो लूज करेक्टर वाली औरतें और एक ऐसे लोग जो कि दूसरों को अपने आप को दिखाते हैं, और धर्मध्वजी समझते हो, अपने आप को बहुत बड़ा चौड़ा समझते हैं, ये दो प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास करके चलने वाले,
दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब कहने का मतलब है जो व्यक्ति लूज कैरेक्टर वाली स्त्रियों का संग करता है, और जो व्यक्ति ऐसे लोग का संग करता है जिनको मान और सम्मान की इच्छा है, वो हमें वो बहुत जल्दी दूसरों पे विश्वास कर लेते हैं. मतलब उनका विवेक नष्ट हो जाता है, कहने का मतलब ये, वो समझ नहीं पाएंगे क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये दोनों बहुत डेंजरस चीज है. धर्म विहीन स्त्रियों का संग करना, उससे तो सारे दोष आ जाएंगे, आप में सारे दोष आ जाएंगे. और उन लोगों का संग करना जिनको मान सम्मान की इच्छा है, इन दो जनों का संग कभी नहीं करना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता है, मतलब कुछ पैसे नहीं कुछ भी नहीं फिर भी बहुमूल्य वस्तु की, और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, ये दोनों ही अपने शरीर को सुखा देने वाले कांटों के समान है. That's all. ये कभी नहीं करना चाहिए, निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा करना, मतलब अगर कुछ भी नहीं है फिर भी आप, मतलब इसका इसका एक्चुअली एक और मीनिंग हो सकता है कि प्रभुपाद कहते थे फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर. सुना है? पहले भक्ति में भी ऐसे ही है, साधनहीन होकर भगवान की इच्छा करना, साधन का बल है नहीं और फिर भी आप इच्छा कर रहे हो मुझे भगवान चाहिए प्रेम चाहिए, सो तो फिर तो आप शरीर को सुखा देने वाले काटों के, फिर तो आप और नष्ट हो जाओगे. फर्स्ट डिजर्व, पहले योग्यता लाओ फिर इच्छा रखो, पहले इच्छा रखो, मतलब यही सहज यही तो होते हैं, सहज यही तो है. हे कृष्णा आप कहाँ हैं, हे कृष्णा आपके दर्शन कब होंगे, भाई साधन किया है नहीं किया है, समर्थ है भी भगवान को देखने का, समर्थ है भी भगवान आ गए तो जल जाओगे बिना साधन के. एक्चुअली कुरान में ऐसे ही हुआ था, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला था अल्लाह से कि आप मुझे अपने दर्शन दे दीजिए, तो अल्लाह ने कहा कि तुम मुझे देख नहीं पाओगे. तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा ठीक है, तो अल्लाह ने कहा अगर तुम मुझे देख लोगे तो तुम जल के राख हो जाओगे, तुम में समर्थ ही नहीं है, उस टाइम ऐसा कहा था. और तो इनफैक्ट बाइबल में भी था, तो बाइबल में मोसेस ने कहा था भगवान को कि भगवान आपने दर्शन दीजिए मुझे दिखाइए अपना रूप, तो भगवान ने कहा कि मोसेस मैं अपने आप को इस पर्वत के सामने प्रकट करूंगा, अगर ये पर्वत ठहर गया तो मैं तुम्हें दर्शन दे दूंगा. तो मोसेस को समझ नहीं आया क्या हो रहा है, तो भगवान ने अपने आप को पर्वत के सामने प्रकट किया, पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो गए. तो भगवान ने कहा तुम मेरे दर्शन चाहते हो? सो समर्थ ये लोग कहते हैं भगवान अपने दर्शन, हे कन्हैया दर्शन दो, भैया कन्हैया आ गए ना टुकड़े हो जाएंगे, तुम देख ही नहीं पाओगे. मतलब इनफैक्ट भागवतम में आता है जब भगवान कहां द्वारका से आ रहे थे तो पांडवों ने देखा भगवान को, भगवान के शरीर से करोड़ों सूर्य का तेज प्रकट हो रहा था और वो उसको सहन कर पाए अपनी भक्ति से. सो विश्वचक्र ठाकुर लिख रहे हैं कि भगवान फिर अपने अपने तेज को प्रकट क्यों नहीं करते संसार में, क्योंकि अगर वो कर देंगे तो सब अंधे हो जाएंगे, मर जाएंगे सब, क्योंकि भक्ति की शक्ति नहीं होगी तो टॉलरेट नहीं कर सकते आप. ऐसी प्रेम भी है, अब प्रेम के बाद भी अवस्थाएं हैं, प्रेम के बाद भी अवस्था है, प्रेम मान स्नेह प्रणय भाव महाभाव. तो प्रेम के बाद जो अवस्था है वो अगर आपके शरीर में आ गया आपका शरीर ही खत्म हो जाएगा, इस शरीर में आ ही नहीं सकते, शरीर ही गल जाएगा खत्म हो जाएगा, टॉलरेट नहीं कर सकता है शरीर और मन, तो आध्यात्मिक शरीर में मिलता है वो. सो वो बलि नहीं है. इसलिए पॉइंट यही है कि जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता है वो खत्म हो जाता है, तो साधनहीन होकर भी भगवान की इच्छा करता है वो खत्म हो जाता है, फिर वो फ्रस्ट्रेट उसका फॉल्ट डाउन हो जाएगा, उसमें सारे दोष आ जाएंगे. तभी तो सहज लोग होते हैं ना, आगे बढ़ पाते हैं और गलत चीजों में पड़ के बस ऐसे घूमते रहते हैं. और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, दैट्स इंटरेस्टिंग, उसमें खुद में समर्थ नहीं है, खुद कर नहीं सकता, दूसरे पर क्रोध कर रहा है, अरे तूने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, भाई तुम कर सकते हो तो क्रोध करो ना, वरना उस क्रोध का फायदा ही क्या.
सो शूद्र करते हैं ऐसा, बिना समर्थ हुए भी क्रोध करते रहते हैं दूसरों पे। 62, दो ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते, अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। दैट्स इंटरेस्टिंग। दो ही व्यक्ति संसार में शोभा नहीं पाते, एक गृहस्थ जो कोई कुछ काम नहीं कर रहा और एक सन्यासी जो कि संसारी चीजों में लगा हुआ है। उनकी दोनों की बेइज्जती होगी, दोनों की बेइज्जती होगी, जो गृहस्थ काम नहीं करता और जो सन्यासी ब्रह्मचारी प्रपंच में पड़ जाता है। सो इसीलिए उल्टा होना चाहिए, गृहस्थ को जरूर काम करना चाहिए और सन्यासी को जरूर काम नहीं करना चाहिए। उसको वो करेगा तो उसकी बेइज्जती होगी कि यार ये तो संसारी काम करता रहता है। उसका काम सिर्फ आध्यात्मिक नॉलेज देना है, उसको यही करना चाहिए। दैट्स इंटरेस्टिंग। राजन, ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं। कौन कौन, कोई बता सकता है? दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के ऊपर भी स्थान पाते हैं। 63rd वर्स। क्या आइडिया, आप लोग क्या कहते हो? कुछ तो सोचा होगा, कुछ भी नहीं, क्या कुछ ये सोचते ही नहीं आप ऐसी चीजें। मतलब कुछ, चलो कुछ तो आंसर होगा, कौन कौन पाता है? ओके, जो क्षमा करता है, बट पूरा आंसर नहीं है। कौन, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला, मैंने पहले बताया, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला, दोनों स्वर्ग से भी ऊपर चले जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि यू सी द पॉइंट, धर्म इस तरह बनाया गया है, आप चीटिंग नहीं कर सकते कि आपके पास बहुत पैसे और फिर दान दे रहे हो तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। अगर 1 करोड़ रुपया आपने 1000 रुपए दे दिए, ठीक है, तो कोई क्रेडिट नहीं है। आपके पास 1000 रुपए और आपने 1000 रुपए दे दिए, तब दान का क्रेडिट है, तब है। जैसे तो ऐसे खोला बेचा श्रीधर, 1 रुपए कमाते थे, है नहीं, और 50 पैसे गंगा जी की सेवा में लगाते थे, मतलब 50% लगा दिया, तब क्रेडिट मिलता है। सो यू कैन चीट लॉज ऑफ नेचर, वो कर नहीं कर सकते आप, ये जो प्रिंसिपल्स हैं आप चीट नहीं कर पाओगे उसको। सो अपने निर्धन होते हुए भी दान देने वाला, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और क्या है, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाले, क्योंकि जब शक्ति आ जाती है तो क्षमा करना बहुत मुश्किल होता है, फिर तो मन करता पनिशमेंट दे दें, क्योंकि दे सकते हैं ना, उस टाइम क्षमा करने वाला। ये दो गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट भक्ति में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दे दो तो और क्रेडिट मिलेगा। बल्कि जब नहीं है तब जरूर देना चाहिए, क्योंकि तब तो पूरा ही दान का फल मिल गया आपको, स्वर्ग से भी ऊपर चले जाओ। फल ये है, स्वर्ग से भी ऊपर चले जाओगे। ऑफ कोर्स भक्ति, अगर इंटेंशन, भक्ति क्यों नहीं, भगवान कृपा करेंगे ना, अच्छे गुण आएंगे ना, क्यों नहीं मिलेगी भक्ति? भक्ति में तो मदद कर रहे हैं सभी, भक्ति में तो मदद कर रहे हैं। आप भक्तों को दो, आपके पास नहीं है फिर भी दो, तब भगवान की कृपा आएगी। आपके पास है फिर दे दिया तो फिर तो ठीक है, चलो फिर तो ठीक है, क्रेडिट है मगर इतना नहीं है। तभी तो भगवान कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, श्लोक नहीं है, मुझे एक फल भी दे दो, फूल भी दे दो, तब भी मैं खुश हो जाऊंगा। वो तो भगवान कह रहे हैं, भैया कुछ तो दे। बस वो बात हो रही है, किसी तरह तो खुश कर दे मुझे, अदरवाइज को क्रेडिट थोड़े ना उसका कुछ। आगे सब कुछ है, आपने एक फल दे दिया तो थोड़े ना कोई, वो दान थोड़े ना है। महाभारत में लिखा है दान मतलब भगवान को देना, वही असली दान होता है, भगवान और भगवान के भक्तों को देना। सो आप दान नहीं दे रहे तभी तो भगवान कह रहे हैं कुछ तो दे दे भाई, पानी दे दे, चल पानी तो होगा, कुछ तो भक्ति, कुछ तो शुरू होगा दान। मगर रियल तो फिर समझना चाहिए भगवान क्यों कह रहे हैं। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि देने की आदत हो भगवान को, और फिर एक समय आए कि जब कुछ नहीं हो तब भी हम सब कुछ दे दें। तभी तो भगवान अल्टीमेटली कह रहे हैं कि अल्टीमेट आइडियल क्या है, कि अपनी आत्मा भी दे दो। आइडियल तो ये है ना, भगवान को ये सिर्फ वो थोड़े ना मांग रहे हैं, ये तो शुरुआत है बस। तभी भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त, या भक्ति के साथ जो देता है मुझे
सिर्फ इन ये देने से थोड़े ना कोई भगवान खुश हो जाएंगे। भक्ति मतलब ये समझना कि भगवान तो ये मांग रहे हैं हमें हैबिट दिलाने के लिए, भगवान और भक्तों को देने के लिए। अल्टीमेटली तो भगवान हमसे हमारा जीवन, हमारी आत्मा, सब कुछ ही मांग रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा कुछ है ही नहीं। सो दैट्स, तो भक्ति में भी हेल्प करेगा ये, बहुत ये जो क्वालिटीज हैं ये हेल्प करती है। निर्धन होने पे भी दान देना, एक्चुअली मैंने दिया था दान एक बार तो, और उसका अभी तक फल मिल रहा है मुझे। है अट्टा, आप थे उसने मेरे साथ? अच्छा आप नहीं थे ना, मैंने दिया तो अब मुझे लग रहा है उसी का फल मिल रहा है, क्योंकि मतलब मैं ऐसी मार्केट में था, मैं तो ब्रह्मचारी था, ऐसी मार्केट में था तो एक भिखारी आ गया, ऐसी जो होती नहीं हिमालय से नागा बाबा, बच्चा दे देखो बच्चा वो त्रिशूल लेकर, तो हमारे साथ वो विनोद भाटी था, ने कहा चल चल चला जाए यहाँ से, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कुछ देना चाहिए यार इसको, ऐसे मांगने आया तो ऐसे, मतलब मेरे मेरे से नहीं, मतलब भगवान के पास मांगने आया ना, भगवान के पास मांगने आया तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, मतलब भक्तों से मांग रहा है तो हम तो रिप्रेजेंटेटिव है ना भगवान के, तो हम नहीं देंगे तो लोग कहेंगे कृष्ण ने नहीं दिया। तो मैं ये सोच रहा था कि चलो भगवान की बेइज्जती ना हो तो कुछ तो देना ही चाहिए, तो कुछ नहीं था मेरे पास, तो फिर मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ, शर्ट उतार के दे दी मैंने, हाँ कुर्ता ही, तो कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो कुर्ते मैंने उतार के दे दिया, मैंने कहा चल तू ये ले ले, तो वो खुश हो गया। उसने कभी ऐसा तो देखा ही नहीं होगा, वो भी मैं भी साधु, उसने उसने कहा बच्चा मांग कुछ। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहता नहीं नहीं मैं दे के ही जाऊंगा, मेरी सारी जीवन की जो तपस्या मैं तुझे दूंगा अभी, तू मांग तू अभी। तो मैंने तो उससे कहा कि मुझे यार मुझे भक्ति दे दो, मैंने तो ये कहा, उसको समझ नहीं आया होगा पता नहीं भक्ति, तो उसको उसको समझाया लक्ष्मी, उसने कहा कभी भी तुझे लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, और नहीं हुई मुझे फ्रैंकली नहीं हुई पैसे की कमी उसके बाद, कभी कभी हुई नहीं, और पैसे अपने आप आ ही जाते हैं, जो भी मैं करता हूँ आ जाते हैं अपने आप पैसे, मतलब आपने देखा ही होगा, नहीं हो ही जाता है अरेंजमेंट, हो ही जाता है कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। सो आई डोंट नो, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दैट, हु नोस, क्योंकि धर्म पालन करने से कभी हानि नहीं होती समझे, और उसका फल आपको ये साइड इमीजिएटली दिखाई भी ना दे, मगर आता है बाद में। और चलो वो तो धर्म, वो तो परम धर्म था, वो तो मैं भगवान के बारे में सोच के, मतलब अगर आप भक्ति तो वैसे ही पावरफुल है और धर्म भी पावरफुल है, अगर दोनों का मिश्रण हो जाए तो आप सोचो आप सुपरमैन बन जाओगे, मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन है धर्म और भक्ति का, फिर तो उस आदमी को कोई कुछ नहीं कर सकता दुनिया में, अगर दोनों ही मिक्स कर दिया तो। दैट्स वही वर्णाश्रम धर्म है, वही सिखा रहे हैं हम, धर्म और भक्ति को मिक्स करके चलो तो फिर तो आपकी हमेशा विजय है। वही तो भगवान ने कहा यत्र योगेश्वर हो कृष्ण यत्र पार्थ हो, जहां कृष्ण है और अर्जुन है, मतलब जहां पे भक्ति है और धर्म है, तत्र ईश विजय और भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, वहां सब कुछ है, वहां विक्ट्री है, सब कुछ है। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर, आप करके देख लो, आप करके देखो, आप ये चीज करने से ही आती है ये चीज, वही विवेक तर्क से नहीं आएगी, आप करोगे तो आ जाएगी, आप करके देख लेना। तो ऑफकोर्स आई मीन टू से, अगर कोई भिखारी आपके कोई मांगने आए तो लोग मुझसे पूछते हैं देना चाहिए नहीं देना चाहिए, नहीं क्वेश्चन होता है नहीं होता है। सो वेल हम सिर्फ ऑफकोर्स हम इसलिए नहीं देते क्योंकि हम भिखारी को देना चाहते हैं, हम भीख दे रहे हैं, वो पॉइंट नहीं है, हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम भगवान के प्रतिनिधि हैं और वो हमसे मांग रहे हैं, मतलब भगवान से मांग रहे हैं, हम नहीं देंगे तो भगवान की बेइज्जती होगी, क्योंकि भगवान के घर के से कोई खाली हाथ लौट के जाने नहीं चाहिए। राजा के घर से अगर कोई खाली हाथ लौट के जाएगा तो किसकी बेइज्जती होगी, राजा की होगी, राजा इतना घटिया है, तो इसलिए हम दे देते हैं कुछ ना कुछ, तो वो फिर भक्ति का अंग हो जाता है, वो फिर दान नहीं है ऑर्डनरी, वो भक्ति का अंग है, और इसलिए नेक्टर ऑफ डिवोशन में दान वीर बोला जाता है। तीन तरह के वीर होते हैं, सुना है ना, क्या है, दयावीर, दानवीर और शूरवीर, शूरवीर भी एक है, धर्मवीर, शूरवीर भी कहते हैं कुछ लोग, इंक्लूड करते हैं, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं। सो दानवीर होता है वो, जैसे मयूर ध्वज दानवीर थे, वो भी दान कर रहे थे, मतलब कृष्ण भगवान तो ब्राह्मण के रूप में आए थे ना, और उसको पता भी नहीं था कि ये कृष्ण है,
बट फिर भी वो दान कर रहे थे। अब पॉइंट है कि उनका दान भक्ति कैसे हो गया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं भक्त हूँ, अब मेरे पास आया है और मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मुझे देना, स्पेशली ब्राह्मण है। बट देन लेटर ही कुड अंडरस्टैंड कि वो कृष्ण है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या ये दो पुरुष स्वर के ऊपर आते हैं, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन को दो ही दुरुपयोग समझने चाहिए। मतलब अगर आपने धन धन का दो ही दुरुपयोग है, क्या है? अपात्र को देना, जो पात्र नहीं है उसको धन देना, वो दुरुपयोग है, और सत्पात्र को ना देना, दोनों दुरुपयोग है। आप सही व्यक्ति को नहीं दो और गलत व्यक्ति को दे दो, वो दुरुपयोग है। खैर ये एक अंडरस्टैंडिंग है शास्त्रों में, ये भी कन्फ्यूशियस भी कहता है कि सही लोगों को ऊपर नहीं उठाना, वो गलत है, और गलत लोगों को ऊपर उठाना वो गलत है। और जनरली जो लोग गंदा मैनेजमेंट करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, नहीं वो ऐसे लोगों को ऊपर उठाते हैं जो उसके साथ है और जो उसकी हेल्प करेगा, चाहे वो गंदे ही हो, जो मैनिपुलेट कर सकते हैं, नहीं, और अच्छे लोगों को नीचे दबा के रख देते हैं। बट एक्चुअली सही नीति है कि आप अच्छे लोगों को उत्साह दो और उनको ऊपर उठाओ, क्योंकि वो अच्छे हैं ना, वो कर पाएंगे आगे, और जो बुरे हैं उनको ज्यादा ऊपर मत उठाओ, उनकी हेल्प कर दो कि वो अच्छे पहले अच्छे बने फिर ऊपर उठे। सो दैट वी हैव टू सी, जिसमें वर्च्यूज हैं उसको अपॉर्चुनिटी दो, कहने का मतलब है जिसमें गुण है उनको अपॉर्चुनिटी कैसे कहेंगे, जिनमें गुण है उनको अवसर दो ऊपर उठने का, और जिनमें गुण नहीं है उनमें गुण डालने की कोशिश करो, बिना गुण के उठाओ मत उनको, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर। अगर लीडर ऐसा नहीं करेगा तो फिर लीडिंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर आप फिर तो क्या है, फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, मैनेजमेंट गलत होगा। सो लाइक दैट कल मैं और कंटिन्यू करूंगा, 64 तक हो गए, 65 आ गए। हाँ कल जा रहे हैं लोग, फिर जब भी आएंगे तब करेंगे। बट विदुर नीति इज वेरी नाइस, नहीं है, नहीं अच्छा, नहीं है, मतलब बहुत रेलेवेंट भी है हमारे लिए। विदुर नीति मध्वाचार्य को बहुत प्रिय थी, उन्होंने बोला है कि सबको पढ़नी चाहिए। कल कैसे हो सकते हैं, कितने जा रहे हैं? अच्छा ये कह रहे हो, नहीं नहीं ये कह रहे हैं अभी दूसरी टिकट करा लेंगे शाने पंजाब तत्काल में, तो राजपुरा से चढ़ जाएंगे तत्काल। और वैसे ट्रेन कब है अब हमारी, ये वाली तो 9 बजे। हरे कृष्ण।